नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुयूसून पर। और आशा करता हूँ कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी अपना खास ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिजनों का खास ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सुनामी का जो दूसरे संक्रमण की वेव थी हमारे देश में, बहुत हानिकारक साबित हुई है और ऐसी आशा की जा रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। तो हमारी आपसे हमेशा गुजारिश रहती है कि आप अपना ध्यान रखें और लापरवाही ना बरतें। जहाँ तक हो सके दो गज की दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन के माध्यम से उसको साफ़ करते रहें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके इर्द गिर्द जो समाज है और समाज में हमारे जितने लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। क्योंकि ये सिर्फ परेशानी देश की नहीं है, दुनिया की है। और इससे निपटने के लिए एक हमारी छोटी सी मुहिम है इस चैनल के थ्रू कि हम आप तक नामी ग्रामीण हस्तियों को लेकर आते हैं, हमारे लीगल जगत से, लीगल दुनिया से, जिनकी जीवन गाथा को हम ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने उजागर करें, उनकी अच्छी अच्छी बातें सीखें, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और ये भी जान सकें कि जो हमारे कानून के जो दाव पेच हैं, जो पहलू हैं, जो माया नगरी हमारे कानून की, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। और आज इसी श्रृंखला में हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जस्टिस प्रदीप नंदराज जोग सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुयूसून। सर, सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू करने से पहले मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, जो कि वकील भी हैं और नॉन लॉयर्स भी हैं, क्योंकि सभी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। जस्टिस नंदराज जोग सर, 21 साल तक उन्होंने बतौर वकील कार्यभार निभाया है और कानून के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उसके बाद सर तकरीबन 18 से 20 वर्षों तक और कुल मिला के 4 दशकों से और पिछले 2 दशकों से जज नियुक्त रहे हैं। सर का सर्वप्रथम जो जज का रोल था वो दिल्ली हाईकोर्ट में रहा, जहाँ सर ने तकरीबन 15 से 16 साल सीनियर जज वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में रहे, हम सबका मार्गदर्शन किया, बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स भी सर ने दिए हैं। और उसके बाद सर का जो तबादला हुआ वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट हुआ, जहाँ पर सर ने वहाँ का नेतृत्व किया, वहाँ का कार्यभार संभाला और उसको और दिशा में आगे बढ़ाते गए। और उसके साथ ही पिछले 2 सालों से, इससे पहले कि सर सेवानिवृत्त हुए हैं फरवरी 2020 में, उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट के कार्यभार को भी संभाला है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट। मैं समझता हूँ कि सर की लाइफ जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को है और औपचारिकताओं पर आने से पहले हम जो प्रथम सवाल अपने मेहमानों से करते हैं वो ये होता है कि उनके जो जीवन के प्रथम पल रहे, जो शुरुआती पढ़ाई रही, उसके बारे में सर आप प्लीज़ हमें कुछ बताएं कि आपका जन्म, शुरुआती पढ़ाई कहाँ रही और वो कौन से पल रहे आपके जीवन में जहाँ आपने सोचा कि अब मुझे वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे बारे में अच्छा बोला आपने। बस एक त्रुटि रही, मैं 14 साल दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहा, 2 साल मैं चीफ जस्टिस राजस्थान रहा और 1 साल मैं मुख्य न्यायाधिपति बॉम्बे हाईकोर्ट में रहा। तो मेरा पैदाइश तो उस समय में जाता है जब ना जूम होता था, ना इंटरनेट होता था, टेलीफोन भी लगाना बड़ा मुश्किल काम होता था, एसटीआईजी कॉल्स नहीं होती थी, कोई फास्ट फूड नहीं होते थे, कोई ब्रांडेड चीजें नहीं होती थी। 24 फरवरी 1958, तो मेरा बचपन शिमला में रहा, मेरे पिताजी वहां वकालत करते थे, तो हमारा वहां तब शिमला एक बहुत छोटा सा शहर होता था। और जब मेरी पैदाइश हुई तो मैं को बताया जाता है कि शिमला की सारी आबादी लगभग 10,000 थी, अब 5,00,000 पे पहुंच गई है। तो प्रथम मेरी शिक्षा ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला में रही, जो लॉर्ड ऑकलैंड के रेजिडेंस थी, तो वो लॉन्गवुड हिल के ऊपर, अगर आप शिमला की तरफ जाएं और रिज से देखें उत्तर की दिशा में, तो आपको एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, ऑकलैंड हाउस स्कूल गर्ल्स स्कूल था। पर वहां पे जो नागरिक थे उन्होंने उनकी जो ड्रेसेस को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे बॉयज स्कूल नहीं है, तो आप 3री क्लास तक लड़कों को स्कूल में पढ़ने दीजिए। तो 3री क्लास तक ऑकलैंड हाउस में, जो उस साइड पे शिमला के नागरिक थे उनके लड़के वहां पढ़ते थे, तो 3री तक मैं ऑकलैंड हाउस में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं वहां से सेंट एडवर्ड्स में पढ़ा और फिर मेरे पिताजी दिल्ली हाईकोर्ट में जज बन गए, फिर मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ। मेरे को वकील बनने का कभी कोई शौक नहीं था, क्योंकि मैं शिमला में रहता था तो मैं वहां देखता था कि फ्रूट बहुत वेस्ट होता है। जो चिड़िया होती है, जो पंछी होता है, वो सबसे बड़ा और सबसे लाल सेब पे एक चोंच मारता है जी, और जब उसको खाता है, 2 बारी खाता है, 3 बारी खाता है, थोड़ा सा हिस्सा खाता है, चला जाता है, बारी को खाया हुआ फल फिर से नहीं खाता
तो मैं देखता था नाशपाती, प्लम, सेब, ये हजारों क्विंटलों के तोल में खड में फेंक दिए जाते थे। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बी टेक इन फूड प्रिजर्वेशन करूं और फिर वहां पे जाके अगर मैं ये फूड टेक्नोलॉजी को आगे चला सकूं, तो इच्छा तो मेरी वही थी। और उस इच्छा को आगे करते समय मैंने फिर अपना बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया जी। और इसलिए किया क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ बीटेक का कोर्स हार्डकोर बैचलर कानपुर में ही होता था और वो ग्रेजुएशन के बाद होता था। तो ग्रेजुएशन के बाद जब हम आ गए तो उन्होंने कहा हम तो पीसीएम पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एवरेज पे एडमिशन देते हैं। अब क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया था तो मेरा मैथ्स और फिजिक्स मेरे सब्सिडरी सब्जेक्ट थे, जो वो मेरे तो सिर्फ पास करने होते थे, उनके नंबर मेरे डिग्री के में रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो मैं वहां गया तो उन्होंने कहा आपको तो हम यहाँ एडमिशन देंगे नहीं। तब मैंने सोचा कि जिस मुद्दे की तरफ चले थे वहां तक तो हम अपने मुकाम तक पहुंच नहीं सकते जी। फिर हमने कहा तो कोर्स बदलना पड़ेगा, क्या करें। फिर मैंने रियलाइज किया कि साइंस लॉ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि साइंस क्या करती है, एक फिनोमेनन को देखती है और एक थ्योरी से अगर उसको एक्सप्लेन कर सके तो हम कहते हैं एक साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई। कानून में क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है आईपीसी का सेक्शन 299, 300, 420, 468, और अगर हम कहते हैं कि ये फैक्ट इस फॉर्मूले के सारे इंडाइसेस को कवर कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि ऑफेंस हो गया, तो हम प्रोस करते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर फिर मैंने सोचा कि मैं अधिवक्ता बनता हूं। ये मैंने रियलाइज किया था कि लॉ इज नथिंग बट लॉजिकल थिंकिंग। मुझसे लोग बोलते हैं लॉ पे चलो, हमने कहा लॉ कोई चीज नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग है सर। अगर आप हर पहलू जो आपके फैसले के लिए अहम होता है उसको उठा सकते हैं और उसको उसका स्थान दे सकते हैं तो आप एक अच्छे वकील हैं। तो ये रहा फिर मेरा इनिशियल पार्ट किस तरीके से फिर मैं लॉ में आया जी। फिर मैंने कैंपस लॉ सेंटर में 3 साल 78 से 81 तक 3 साल में मैंने अपना एलएलबी की डिग्री हासिल की। तो क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था तो मुझे ये मालूम था कि लॉ के लिए भाषा का भी जानना और उसका इस्तेमाल करना, सही शब्दावली का इस्तेमाल करना ही बहुत अहम था। तो उस स्टेज के ऊपर फिर मैंने कुछ लिटरेचर की किताबें पढ़नी शुरू की जिससे मेरा एक्सप्रेशन बढ़े। ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ी, रॉल्स पढ़ा, प्लेटो पढ़ा, और मैंने ये ट्रेडिशनल लॉ आईपीसी वगैरह इस पे कभी तवज्जो दी नहीं। हाँ उतनी दी जितनी तो पास होने के लिए चाहिए थी, और तब सब ये भी बोलते थे कि जितने कम नंबर लेके लॉ में जो पास होता है वो उतना ही अच्छा वकील बनता है जी। तो 81 में मैंने, अब मुझे याद है कि मैंने 7 अगस्त 1981 में अपनी सनद दी थी जी सर। फिर मैंने हमारे ओरिजिनल साइट पे सीनियर एडवोकेट थे मिस्टर सोमनाथ मारवा, उनका चेंबर ज्वाइन किया, और बल्कि जब मैं लॉ कर रहा था तो फाइनल ईयर में भी मैंने उनके चेंबर पे जाना शुरू कर दिया था। तो शाम को मैं जाता था, कुछ नहीं करता था, जो उनके ब्रीफ होते थे उनको पढ़ता था, कोई डिस्कशन नहीं होती थी कि जो लॉ जो थ्योरी में हमने प्लीडिंग पढ़ी और जो एक्चुअल प्लीडिंग होती है उसका समीकरण कैसे होना चाहिए। तो मैंने अपने फाइनल ईयर लॉ में, क्योंकि हमारे फाइनल ईयर में जो क्लासेस होती थी वो 12 बजे तक खत्म हो जाती थी जी। और फिर मैंने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सनद ली, फिर 2 साल उनके साथ रहा, फिर मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। ये तो रहा मेरा करियर जी। सर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा मेमोरी जर्नी वापस आपको आपको ले जाना चाहूँगा, क्योंकि कॉलेज के दौरान मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आपको बतौर एक उपाधि से नवाजा जाता था, आपको उस्ताद के माध्यम से आपके जो प्रियजन है संबोधित करते थे। तो एक तो उसकी कहानी थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, और वो उस्ताद की वो इसलिए जानना चाहता था कि
जैसे मैंने कहा एज अ साइंस स्टूडेंट आपका एक थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी ही चलती थी, तो हमारे टाइम पे कोई अब वेल्थ तो अब आई है, अब बच्चे जाते हैं पेरेंट्स कार देते हैं जाने के लिए, हमारे टाइम पे बसों में जाना पड़ता था, कोई मेट्रो नहीं होती। और अगर आपको बस के फुटबोर्ड पे 1 इंच पाउंड रखने की जगह मिले तो हम ये कह देते थे कि साहब ये बस खाली आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होता था, आपका कॉमन आदमी से आप ऑब्जर्व करते थे। अब हम अपने जूते में कोई टांका नहीं लगाता, हमारे टाइम पे चार पड़ता था तो हम देखते थे ये मोची टांका कैसे लगा रहा है। ये आज इस वक्त उससे पूछता था मैं कि पिछली बारी तो ये तुमने बक्सुआ जोड़ा लंबा वाला लिया था जी, अब ये छोटा वाला ले रहे हो, आप अपने धाग आप इसको करा के क्यों नहीं कर रहे। तो बस इसी तरीके से छोटा छोटा सीखना शुरू किया। कभी गाड़ी पिताजी की गाड़ी में पंचर होता था तो जाते थे तो देखा कि जो टायर के जो नट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, बाकी सारे नट क्लॉकवाइज क्यों लगते हैं जी। तो पता चला जब टायर आगे की तरफ घूमता है तो ट्रैक्शन रिवर्स में होती है, इसलिए उसका नट रिवर्स होना चाहिए जी। तो लॉ फैकल्टी में कोई बातें होती थी तो मेरे को हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता, तो इसलिए लोग साझी इतना बढ़िया आपने व्याख्या की इस चीज़ की। एक छोटा सा सवाल और आप तक रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जो बच्चे हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, काफ़ी युवा वकील भी हैं, बच्चे भी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, और आज की जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है और आपके वक्त की जो शिक्षा की प्रणाली रही, थोड़ा सा इसमें फ़र्क इसलिए आ जाता है, मुझे लगता है कि आजकल इंटर्नशिप को लेके बहुत जोर होता है, एक जो लॉ स्कूल के दौरान जो ट्रेनिंग बच्चे लेते हैं और उसके चलते चलते थोड़ा सा स्ट्रेस जो मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी अपने कंधों पर ज़्यादा ले लेती है, उनके मस्तिष्क और जहन पर हावी रहती हैं चीज़ें। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनके कुछ सवाल सर आप तक रखना चाहूँगा। और प्रथम सवाल तो ये है कि इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी है, या जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं लॉ कॉलेज में लॉ स्कूल में, चाहे वो पब्लिकेशन को लेके हो या किसी वकील के साथ जुड़ने की प्रक्रिया हो या काम सीखने का जो पूरा मुद्दा हो, एक तो ये कितना अहम है किसी भी दौर में हम रहे, चाहे वो आपका दौर हो चाहे वो आज का दौर हो। और दूसरा ये जो आपने एक सही बात रखी कि कॉलेज में जो चीज़ पढ़ाई जाती है और वास्तविकता में जो वकालत की अपनी एक श्रेणी है वो बहुत अलग हो जाती है। कुछ इस किस्म से अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से 10th का जब CBSE बोर्ड आप क्लियर करते हैं और अगर आप क्या नंबर अच्छा आ गए तो परिवार वाले कहते हैं कि बेटा साइंस पढ़ लो, अभी भी ऐसी मानसिकता हमारे देश में पाई जाती है। उसी तरह का मैं समझता हूँ जब एक बच्चा छलांग लगाता है लॉ कॉलेज से लॉ प्रोफेशन में आने की, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर पाता है, क्योंकि किताबें पढ़ी होती हैं और जब अमल में लानी होती हैं चीज़ें तो उसमें बहुत एक अंतर होता है। तो सर उस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। देखिए लॉ के बारे में कहते हैं सबसे आसान लॉ की डिग्री लेना है और सबसे मुश्किल काम वकालत करना है जी। इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री लेना बहुत मुश्किल है, पर एक बार ये ले ली तब आपको अपने व्यवसाय में इतनी परेशानी नहीं आती। और उसकी वजह यही है कि जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उनमें सबसे कठिन लॉ की है। क्यों? नॉर्मल केस में आप एक ह्यूमन बिहेवियर को लेके, कॉन्डक्ट को लेके एनालाइज करते हैं, आपके पास अगर पैटेंट क्लेम भी है तो आप एक लॉजिकल रीजनिंग पे उस थ्योरी को लेकर, अगर वो कोई मेडिसिन का है तो प्रायर आर्ट को आप कैसे देखेंगे, आप पर्सन रीजनेबली वेल रेड इन द ट्रेड का कॉन्सेप्ट कैसे लाएंगे, खुद पर्सन रीजनेबली वेल ट्रेंड इन द फील्ड लेके आएंगे। अब उसी तरीके से हो गया कि मेरे को केक बनाना तो नहीं आता पर मैं चख के बता सकता हूँ कि किसका केक अच्छा है जी, पर उस चखने में भी कुछ थोड़ा सा केक के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि साहब इसने ये केक एक जूस लगा के बनाया है तो कितना स्टिकी होना चाहिए जी, इसने पाइनएप्पल केक बनाया है तो इसके अंदर कितना पाइनएप्पल जूस होना चाहिए, और फिर ये ठीक से बेक्ड है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में वो जो ऑब्जर्वेशन एंड एप्लीकेशन जो आता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए
ये इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया, ये तो 1986 के बाद आया जी, जब फर्स्ट जेनरेशनल रिफॉर्म्स लॉ में आए, जब पहली बार 5 ईयर लॉ कॉलेजेस आए जी। उस टाइम पे 91 के अंदर कुछ इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई तो लॉ के अंदर पैसा भी आना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से लॉ बिकेम एज अ करियर। मुझे याद है हम जब 1978 में हमने जब मैंने लॉ फैकल्टी ज्वाइन करी तो हमारे जो अच्छे प्रोफेसर थे वो क्लास में पहली बार ही पूछते थे कि कितने लोग तो यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने आईएएस का तैयारी करनी है, तो जिनका हाथ खड़ा होता था तो वो कहते थे कि ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये आईएएस के लिए बेकार है, तुमने तो आईएएस बनना है, तुमने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, तो महीने के अखीर में आके मेरे से अपनी अटेंडेंस ले लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमको वकील बनना नहीं है, तुमको इसमें कोई रुचि नहीं है जी। एक तिहाई क्लास खड़ा करती थी कि साहब हम तो बाहर से हैं, हमें पीजी की एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट कंसेशनल पासेस चाहिए, हम नेतागिरी के लिए हैं यहाँ। तो उनसे भी टीचर कहता था कि तुमको भी तो वकील बनना ही नहीं है, तुम भी लेके 1/3 अटेंडेंस ले लेना जी। तो हम बचते थे 1/3, तो 1/3 को वो खाते थे कि भाई अब आपको एक इंटेंस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा ये जो होता था कोर्स मटेरियल सिस्टम विच वाज वेरी मच क्लोज टू एन इंटर्नशिप सिस्टम, ये फैक्ट में किस तरीके से अप्लाई की गई। पर ये जब ये रिफॉर्म्स आने शुरू हुए तब इकोनॉमी भी खुलनी शुरू हो गई तो लोगों को ये पता चला, हमारे टाइम पे जब हम सीनियर ज्वाइन करते थे तो कोई स्टाइपेंड वाइपेंड नहीं मिलता था जी। यही बहुत बड़ी होती थी कि हमारे यहाँ आप शागिर्दी कर गए, यही बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। फिर अगर सीनियर देखता था कि आपकी कुछ यूटिलिटी है 2-4-5 महीने बाद 400-500-600-800-1000 करके फिर छोटा मोटा काम क्लाइंट का ग्रोथ होती थी। मेरे टाइम पे दिल्ली में सिर्फ 4 लॉ फर्म्स थी, अब 500 हो गई हैं जी। तो फिर ये प्लेसमेंट का जब कॉन्सेप्ट आया तो सीवी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि आपके सीवी में आपने कहाँ की। मेरे हिसाब से ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपको लॉ की वो प्रैक्टिस करनी है, चाहे अपलेट साइड करनी है चाहे आपको ओरिजिनल साइड करनी है, जब तक आप एक फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप फैक्ट्री के फ्लोर में जाके भट्टी के सामने देखते नहीं कि ये मेटल फोर्जिंग कैसे हो रही है। एब्सोल्युटली। तो जब तक आप अपनी इंटर्नशिप कम से कम 5 मींस आपके फर्स्ट 5 इंटर्नशिप्स यानी कि 2.5 साल की इंटर्नशिप्स ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स के साथ होनी चाहिए, जहां पर एक फैक्ट को कैसे प्रूव करना है। और मेरा एक्सपीरियंस एज अ लॉयर ये जज ये रहा है, बहुत सारे केस जो जीतने चाहिए थे वो इसी बात पे हारे गए कि आपने ये फैक्ट जिस तरीके से कानून में प्रूव होना चाहिए। और अगर आप एविडेंस एक्ट का सेकंड पार्ट देना, प्रूफ ऑफ फैक्ट, पहला पार्ट है ऑफ रेलेवेंस ऑफ फैक्ट, प्रूफ ऑफ फैक्ट, फिर थर्ड प्रोडक्शन एंड इफेक्ट जी। तो अगर आपका रेलेवेंट फैक्ट है और आपने उसको प्रूव ही नहीं करा तो एक बारी जब आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर जब आप फैक्ट्री के फ्लोर में जाते हैं, आप उसके फर्नेस के सामने खड़े होते हैं, आप उसकी फोर्जिंग देखते हैं, फिर आप उसकी त्रुटि भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि ये जो एरर आया है, जो ये बना है, ये क्यों आया है। सो टू बी एन एपिलेट लॉयर यू हैव टू बी ए ट्रायल कोर्ट लॉयर। अब क्या होता है अगर आप नए जनरेशन के हैं, वो कहें साहब हम वो रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, वो 50 जजमेंट ला के दे देंगे, पर आप कभी मेरे फैक्ट के अंदर तो ये फैक्ट है नहीं, मेरे को तो जजमेंट वो चाहिए जो बिना इस फैक्ट के मेरे काम की आए जी। तो वो जो रेशियो निकाल देंगे वो, पर फैक्चुअल एप्लीकेशन। सो 5 ईयर्स लॉ कोर्स में इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज है। इंटर्नशिप के लिए आप ये मत देखें कि आप सीधा जाके एक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ इंटर्नशिप शुरू कर दें, आप सीधा एक सुप्रीम कोर्ट बेस्ड लॉयर के साथ इंटर्नशिप शुरू कर दें, और सीनियर के साथ तो कतई ना करें। क्यों? उसका ब्रीफ ही शाम को आता है,
अब वो आपको शाम को कहता कि इस पर रिसर्च करके ले आओ, आपको फैक्ट्स ही नहीं मालूम। सो दिस इज माई टेक ऑन इंटर्नशिप्स, गुड बट स्ट्रक्चर्ड, शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर एंड एज यू गो अप देन यू स्टार्ट मूविंग अप द लैडर। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक फॉर दिस नगेट्स ऑफ विजडम, क्योंकि जितने यंग बच्चे हैं कई बार कन्फ्यूजन बहुत रहता है उनके मस्तिष्क में कि कैसे शुरुआत करें क्या करें, और मैं आपसे एकदम सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपने ट्रायल में शुरू नहीं किया, जहाँ कहते हैं केस इज बॉर्न इन अ ट्रायल कोर्ट, और उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उस केस को समझने की, उसको संभालने की, और उसको फिर अगर अपील की ज़रूरत पड़ती है बाद में तो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको ले जाने की, वो सब देखने के लिए जो आपने सही कहा, जो फर्नेस के आगे जो तपिश होती है, और कहते हैं कि सोना तब के ही सोना बनता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी बच्चे इसको सुने बाद में जब हम इसको अपलोड करें सीरियल का, जो भी नए वकील हैं, आप ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस जरूर करें जितने साल आप करना चाहें, कम से कम 2 या 4 साल, ताकि आपकी जो मेहनत रहे वो बाद में आपके करियर में रंग दिलाए। इसके बाद सर मैं आपकी जीवन यात्रा पर आना चाहूँगा, जहाँ आपने बताया कि शुरुआती तौर पर आपने एक सीनियर साहब का चैम्बर ज्वाइन किया, और उसके बाद आप 2 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए, और आपने अपने कार्यकाल में सर बहुत किस्म के केस किए हैं बिफोर यू आर एलिवेटेड एज अ जज, उसमें आपने आर्बिट्रेशन भी की, सिविल क्रिमिनल एमसीटी को भी आपने रिप्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट बॉडीज़ को बाकी भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो एक ही करके सर आपसे सवाल के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये सर, किसी भी नए वकील के लिए, चाहे वो प्रथम पीढ़ी का हो कि द्वितीय पीढ़ी का, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, पैर जमाना वकालत में, जैसा आपने बोला कि वाकई में बहुत कठिन है, तो जो वकील है नए वकील जो बच्चे प्रोफेशन में आते हैं, उनके लिए मैं आपकी एक तो राय आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे काम सीखें अपने सीनियर्स के अंडर, और दूसरा जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करें तो किस किस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए कि क्लाइंटेल भी बना सकें, और किस किस तरीके से अपना हुनर निखार सकें बतौर वकील। देखिए बड़ा सीधा है, मार्केट में जो इंसान जाता है एक प्रोडक्ट लेने के लिए, वो कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेके मार्केट में जाता है जी। सबसे पहले आप कभी दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों से पूछना, किसी ने मेरे को कैंटीन में नहीं देखा था, क्योंकि एज ए जूनियर लॉयर आपके पास समय ही समय होता है जी, समय निकलता है, तो उस समय में आप लाइब्रेरी में बैठ के कुछ रिसर्च करिए, पढ़िए, अपनी नॉलेज इंक्रीज करिए, पर उससे ज्यादा जब आपको पता चलता है कि बार में ये नामी जानी वकील हैं और आज एक हाई स्टेक केस में बहस हो रही है, एक अपना नोटपैड लेके पिछली सीट पे बैठिए और देखिए कि किस तरीके से वो जज किस लैंग्वेज से चल रहा है जी। मेरे वकील ने मुझे एक चीज बताई जो बिल्कुल दुरुस्त है, विद 40 इयर्स एक्सपीरियंस में कैसे, उन्होंने कहा देखो बेटा, कानून में सक्सेस के लिए 25% सक्सेस आता है आपकी नॉलेज ऑफ लॉ, 25% आता है आपका हार्डवर्क, और 50% है आपकी कला जज को पटाना। आप जज को कैसे पटा सकते हैं जी, क्यों? एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान एक अपना पास्ट का बैगेज लेके आता है। हम कुछ भी कहें कि हम अनबायस्ड हैं, पर हमारे जिंदगी के तजर्बे हमारी थिंकिंग को कलर करते हैं। तो हर जज भी एक इंसान है, तो उसकी आकृति और उसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी होता है जी। सम लाइक वर्बोस आर्ग्यूमेंट्स, सम हेट वर्बोस आर्ग्यूमेंट्स, सम में लाइक टू गिव द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट द लॉ इज टू गेट इनटू द फैक्ट, सम से नहीं, मेरे को फैक्ट पहले दो, मुझे फैक्ट पहले चाहिए, फिर मैं खुद तय करूंगा कि ये फैक्ट पे ये कौन सा कानून इसकी तरफ आ रहा है, तो ये समझना जरूरी होता है। सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब आप ये चीज करिए। इससे आपकी क्लाइंटेल कैसे आती है? आफ्टर ऑल जब आप अपने सीनियर से ब्रीफिंग कर रहे हैं, आप कोर्ट में बैठे, और मैंने देखा कि मेरे पास कई क्लाइंट आए इसलिए, अब ना क्यों कह रहे कि साहब जब वो सीनियर बहस कर रहा था तो जज को गुस्सा आ रहा था और तुम उसका गाउन खींच रहे थे,
हमको ये समझ आ गई कि यू आर अलाइव टू माई केस। जी हमें ये समझ आ गई कि आपको वो चीज समझ आ रही थी जो वो सीनियर साहब ओवरलुक कर रहे थे, तो भाई ये मेरा अब अगला केस छोटा है तो मैं आपको करना चाहता हूं। मीनिंग देयर बाय आपने अपने आप को मार्केट के लिए रेडी किया, और नंबर टू आपको मालूम था कि एक ग्राहक पीछे बैठा हुआ है और जरूर ना हो वो आप ही का क्लाइंट हो, वो कोई और सकता है। बट टुडे इट हैज गॉट अ लिटिल चेंज, अब क्लाइंट नेट पे जाता है, वो आपकी प्रोफाइल नेट से उठाता है जी। गूगल सर्च करके आपने किस वकील ने कितने केस में बहस करी तो आपको जजमेंट्स आती हैं जी, तो वो उस तरीके से करके आता है। सो मे बी दी मार्केटिंग टेक्निक ड्यूरिंग माई टाइम टू सेल माई सेल्फ इज बिकम अ लिटिल डिफरेंट, बट एट बेस इट रिमेन्स द सेम। अगर जजमेंट में वो आता है लर्नेड काउंसिल मिस्टर भट्ट वेरी eloquently made this point and the subtle distinction, तो आपने अपनी goodwill create की। Absolutely, जी। वो जो client है वो देख के आता है इसको। Meaning thereby, वो कहते हैं ना law is a mistress, वो आपसे बहुत attention चाहती है जी। तो फिर हमारे early time पे ऐसे कहा हमने ये किया, we were conscious of the fact कि जो क्लाइंट है वो इस तरीके से देखता है। तो आई मस्ट एडमिट माय फादर वाज अ रिटायर्ड जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, तो वो जो जो मैंने कहा कि आपको एक फैमिली के एडवांटेजेस फर्स्ट जनरेशन लॉयर सेकंड के, वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं जी, पर ये नहीं है कि हर एक वकील का जनरेशनल लोग आगे नहीं बढ़ते। हाँ ये बात ठीक है कि किसी को स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा सा मिल जाता है, पर उस स्प्रिंग बोर्ड को इस्तेमाल करके स्प्रिंग लेना तो उसका ही है, पर अगर आपको ये स्प्रिंग बोर्ड नहीं भी बन रहा तो आपको एक्सेप्ट बाय शेयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन एंड एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट। पर इस तरीके से क्लाइंट आने शुरू होते हैं, फिर अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसमें आपके क्लाइंट और आने शुरू होते हैं जी, फिर आपकी प्रैक्टिस सेक्शन में जानी शुरू हो जाती है क्योंकि बार बार आप उसी कोर्ट में अपियर हो रहे होते हैं, तो जो लिटिगेंट रिपीट में आता है वो देखता है कि यार जब भी मैं आता हूँ मेरे को ये वकील तो यहाँ बहस करता हुआ ही नजर आता है जी। कोर्ट स्टाफ से आपकी थोड़ी सी फेमिलैरिटी हो जाती है जी, वो कोर्ट का जो अब भी आपको पहचानता है, तो आप है ना अगर जब बहस कर रहे हैं और दूसरा जाके कोर्ट मास्टर को पर्ची देता है डेट के लिए, तो कोर्ट मास्टर गुस्से से उसको बता रहे हैं, पर अगर आप वो जो रहते हैं वो आपको स्माइल देके चुपके से लिखता है और वो जो जज का पेशकार होता है वो भी नीचे से बढ़ा के आपको पर्ची दे देता है जी, तो वो तो लगता है कि साहब ये तो इज अ वेल नोन फेस इन दिस कोर्ट जी, ही मे थिंक एनीवे बट देन दिस इज हाउ इट गोज जी। फिर धीरे धीरे आप लेवल से ऊपर के लेवल्स पे जाना शुरू करते हैं, एंड देन यू नो कि आपका ग्राफ अपवर्ड ही जा रहा है। सो इट इज ग्रेजुअल, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। अगर 2 साल बाद जब हमने अपने सीनियर को छोड़ा और हमने सोचा कि टाटा बिरला हमारे क्लाइंट बन जाएंगे तो वो बेकार है, क्लाइंट भी बड़े होते थे। मेरा जब 4th साल वकालत का था तो रेबेक्सी के भाई मोहन सिंह का अपने लड़कों के साथ झगड़ा झुगड़ा शुरू हुआ जी, तो किसी ने कहा कि ये एक सिविल लॉयर है इनको देख लो, केस भी आपका लंबा चलेगा तो इनकी अभी 6 साल की वकालत है, ये जब तक आपका केस फाइनल आर्ग्यूमेंट में आएगा ही विल आल्सो बी श्योर। देखो वो भी कितने कैलकुलेटिव आदमी थे। तो उनके स्टाफ से मुझे फोन आया कि साहब वो केस करवाना चाहते हैं, हमने कहा जरूर आए, तो हमने कहा कि साहब वो आपके ऑफिस नहीं आएंगे, मैं भी मैं उनके ये तो गलत बात है, आई एम अ लॉयर इज अ क्लाइंट। फिर मेरे साथ एक सीनियर वकील बैठा था, उसने कहा कहते इतने ईगो में मत रहो, ये केस ले लो क्योंकि ये प्रेस में भी रिपोर्ट होता रहता है, एंड इट इज प्रेस्टिजियस टू डू अ केस ऑफ ए मल्टीनेशनल ऑफ अ फैमिली डिस्प्यूट जी, एंड यू बी रिप्रेजेंटिंग भाई मोहन सिंह। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हम चले गए, तो क्लेरिजिस होटल के सामने उनका जो अब अब्दुल कलाम मार्ग है तो वहां पे उनका घर होता था,
ये ट्रेजेडी है, क्या लड़के ने उनको घर से निकाला, वो दूसरी बात है। तो हम गए, एक घंटा बात की, बस कर्चियस चावल पिलाई और करने के बाद बोला कि ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड और मैं आप मेरा केस ले लो। तो हमने बोला सर फीस भी तय कर लो, कहते क्योंकि तुम भाई मोहन सिंह के वकील हो, यही फीस है तुम्हारे लिए, व्हाट फीस डू यू वांट। आई वाज अमेज्ड एट द मैन। देन ही सेड कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हरे अकाउंट पे, हरे पे मेरा स्टे हुआ है, मैं फीस कहां से दूं। तो मेरे हिसाब से दिस इज गुड फी फॉर यू दैट यू आर द लॉयर ऑफ भाई मोहन सिंह। सो आई सेड ये बुजुर्ग आदमी है और तजर्बेकार है, जी जी, ये भी एक फॉर्म ऑफ फीस ही है। तो मैंने उनका केस बिना फीस के किया, पर हर पेशी के ऊपर अखबार में आता था, एंड बिलीव मी दो में से एक पेशी के बाद एक क्लाइंट आता था। सो क्लाइंट की गुडविल भी कई बार आपके लिए एक सोर्स ऑफ गुडविल बन जाती है। एंड यस, ये नहीं करा कि किसी को लेट डाउन नहीं किया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, और अगर लगे कि इस एरिया में मेरी नॉलेज कम है तो क्लाइंट से छुपाया नहीं, कहा कि भाई इसमें जरा हमको भी कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। सो प्रोबिटी एंड लेट मी टेल यू क्लाइंट्स इसकी बहुत वे करते हैं जी। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे काम जुड़ता रहा, जिंदगी का सफर आगे चलता रहा। हमारे टाइम में मुश्किल था, इकोनॉमी खुली नहीं थी, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड। अब मानेंगे नहीं, सीमेंट भी लेना होता था तो आपको परमिट लेना पड़ता था। अदर देन आप अगर दिल्ली हाईकोर्ट की आर्बिट्रेशन के जजमेंट्स देखें तो स्वयं वो डीडीए के और कुछ एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट पे 30-35 लाख के डिस्प्यूट्स के अलावा, ये कहाँ हाईवेज और कहाँ एयरपोर्ट्स और कहाँ पोर्ट और कहाँ थर्मल प्लांट्स और कहाँ विंड एनर्जी और कहाँ सोलर एनर्जी, कहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स होते थे जी, कहाँ मेगा, देयर वाज नो डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी छोटी होती थी, तो उसके अंदर अब आपको कहाँ मिलते हैं वो सूट फॉर पार्टीशन, छज्जू माल, नेकी राम, लिटिगेंट का नाम ही बदल गया है जी, अब कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो गई। सो एक्सपोनेंशियली इकोनॉमी हैज ग्रोन, इट्स बिकम कंपेटिटिव। देन देयर इज अनदर डिफरेंस, हमारे टाइम पे हम लॉ फैकल्टी में 15 रुपए महीने पे पढ़ते थे, तो हमने 3 साल में कितने में, हम 6,000 रुपए में वकील बने जी। टुडे यू आर ज्वाइनिंग नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ स्कूल्स, हॉस्टल्स में रहते हैं, 5 ईयर लॉ कोर्स में वो बताते हैं कि 30-40-50 लाख, अब बहुत अच्छे, आप जिंदल लॉ स्कूल में जाएंगे वहां तो उनकी पढ़ाई भी इतना ज्यादा है। तो एक आदमी को लगता है कि साहब मैं तो 1 करोड़ का प्रोडक्ट हूँ, हमें लगता था हम तो 6,000 के प्रोडक्ट है। सर तो हमारी जी जी एक्सप्लॉयटेशन उसके हिसाब से होती थी, आपकी जनरेशन की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फर्क हो गई। इसी पे मेरा एक छोटा सा सवाल ये निकल के आ रहा है, जो आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि अभी भी सर अगर हम कैंपस लॉ सेंटर को देखते हैं DU यूनिवर्सिटी को, तो अभी भी फीस इतनी नहीं है और अभी भी प्रोडक्ट अच्छे ही निकलते हैं, क्योंकि इतनी पुराना यूनिवर्सिटी, इतना पुराना लॉ स्कूल है, इतने प्रेस्टीजियस एलुमनाई हैं इस कॉलेज के, और साथ में ये भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े लॉ स्कूल अभी आ गए हैं, चाहे वो नेशनल लॉ स्कूल हों या प्राइवेट लॉ स्कूल हों, उनकी वाकई फीस बहुत ज़्यादा है, पर मार्केट का ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं सो फार एज लिटिगेशन इज कंसर्न वैसा ही है। अभी बहुत, जो अगर कोई अपना बच्चा करियर शुरू करे एकदम से बहुत तरक्की पा पाना या फाइनेंशियल गेन कर पाना मुश्किल है। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स आर गेटिंग सैचुरेटेड, जैसा आपने बताया कि 70s 80s में जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो 5 फर्म्स थे, 50 से भी ज़्यादा हैं। और ये कई बार सर ये जो बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर 25 लाख 30 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं और अब मैं लिटिगेशन एज अ करियर परसू करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू परसू कॉर्पोरेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो व्हाट शुड आई डू। एंड इन अ लाइटर वेन, व्हेन आई वाज डूइंग अ सेमिनार 2-3 ईयर्स अगो जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, तो आई टोल्ड देम कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि 20 लाख रुपये आप और खर्चे भी अगले 4-5 साल के लिए अगर आप पका लेते हैं लिटिगेशन करना चाहते हैं, बिकॉज लिटिगेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, जैसा आपने ये बात रखी। तो सर इस तथ्य पर मैं आपके मत जानना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशन को, मशरूमिंग भी बहुत हो गई है लॉ कॉलेज और लॉ स्कूल को लेकर, और एक तरीके से
इसका कमर्शलाइजेशन हो गया मुझे लगता है कुछ हद तक, क्योंकि 2-3 साल पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्टे लगाया इस पर कि अब और नहीं लॉ स्कूल या लॉ कॉलेजेस खुलेंगे, पर जैसा हमारे देश में देखा गया सर, पहले जो हाल बीटेक्स का हुआ फिर एमबीए का हुआ, कि इतने आपने कॉलेजेस खोल दिए प्राइवेट भी और नेशनल लेवल पे सरकारी भी, और बच्चे क्योंकि एजुकेशन इतनी बड़ी मार्केट है, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा अच्छा करे, उसको नौकरी मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए लाइफ में, उसको चलते यही चीज़ ट्रेंड में अब लॉ में भी देख रहा हूँ। तो सर इस पे मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि हाउ वन कैन वी कंट्रोल दिस मशरूमिंग। स्टे तो लग गया कुछ हद तक, लेकिन जो एक दूसरा बड़ा पॉइंट है कि इतने बच्चे एक उम्मीद से जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने और सोचते हैं कि हम समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, हम एक अच्छे वकील बनेंगे, पर फिर मार्केट में सैचुरेशन है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ आई एम आई हैव अ चेंबर प्रैक्टिस, तो मैं एट अ टाइम 4 या 6 वकीलों से ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर एक फर्म भी है तो हो सकता है वो एट बेस्ट 85 वकीलों को रिटेन कर सके, तो रिटेंशन एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बारे में सर आई लाइक टू नो सम प्रूविंग सॉल्यूशंस व्हिच यू मे गिव टू द ऑडियंस। देखिए ऐसे है, कंसिडरिंग कि हम 132-133 करोड़ की आबादी है, लॉयर की जरूरत ट्रेडिशनल कोर्ट के अलावा बहुत जगह पड़ती है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी लॉ करके आता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ ग्रेविटेट करता है जी, और वो फिर अखबार में पढ़ता है कि साहब इस सीनियर की तो 11 लाख, इसकी 15 लाख पर हियरिंग पर अपीयरेंस चार्जेस हैं जी। तो वो एक उस माइंड स्टेट में आता है कि मेरे को करोड़ों में ही जाना है। और मैं जब भी कभी लॉ स्कूल्स में जाता हूं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि आपका जो काउंटर पार्ट बच्चा जो फाइनेंस में गया, जो एमबीए करने गया, लेट्स नॉट फॉरगेट कि एमबीए में भी जो टॉप 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके भी 5-6 के भी वो जो टॉप 20% होते हैं जी, वो जब आता है कि इसको मिला 30 लाख का पैकेज, इसको 40 लाख का मिला, तो सबको नहीं मिलता। एब्सोल्युटली तो 30 लाख का पैकेज सबको नहीं मिलता जी। नंबर टू, जो डॉक्टर बन के जाता है वो कितनी सैलरी पे स्टार्ट करता है, फिर वो कितनी स्ट्रगल के बाद एक अपनी नेम बना के फिर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट जाता है। तो मैं हमेशा सबको ये बोलता हूं, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आपने चलो सिविल सर्विस का क्रैक भी कर लिया है, आईएएस बनते हैं, रुतबा आ पाठ जी, कितने पे शुरू करेंगे? अगर टेक होम ऑफ अबाउट 1 लाख, वो 10 साल के बाद उसका टेक होम 1 लाख से 1.5 लाख पे पहुंचेगा जी। अब आपको ये देखना है कि एज अ लिटिगेटिंग लॉयर तो आप 1 लाख पे शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि लिटिगेटिंग में आपको जो लिटिगेशन फर्म्स भी हैं आज दिल्ली में 40-60,000 दे रही हैं, जो मुझे सुनने में आया है जी। आप इंडिविजुअल लॉयर के जाके तो आपको 15 से 20-25 से ज्यादा नहीं देगा जी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप डेडिकेशन से चलेंगे तो 10 साल के बाद अगर आप IAS या IPS गए हैं, 1 से 1.5 लाख पे पहुंचे हैं, तो एज अ लिटिगेशन लॉयर यू विल बी मच मोर। बट यस, उसका श्योरिटी है, आपकी श्योरिटी नहीं है कि आप वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और ये भी एक रियलिटी है कि अगर हर साल लॉ कॉलेजेस से 1 लाख बच्चा वकालत में आता है, तो 3 साल के बाद वो उस 1 लाख में से मुश्किल से 10-12 हजार ही रह जाते हैं, बाकी डिसअपीयर कर जाते हैं जी। अब वो डिसअपीयर इसलिए कर जाते हैं कि वो मेट्रोपॉलिटन टाउन से डिसअपीयर कर जाते हैं। आप तालुका लेवल में जाइए, कितनी रेवेन्यू लिटिगेशन है। एज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, सिविल लिटिगेशन भी 1/3 रेवेन्यू रिलेटेड होती थी, बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके, एग्रीकल्चरल लैंड की पार्टीशन को लेके, उसकी लैंड यूजर चेंज करने की। पर वो लिटिगेशन आप हाईकोर्ट में करने के लिए तैयार है, बिकॉज है ना, एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखना आपको
बड़ा ग्लैमरस लगता है जी, पर अब उस तालुका लेवल में अगर आप जाएंगे तो आपके पास काम बहुत है। तो टू दैट एक्सटेंट हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम ओवर सैचुरेटेड है, गलत है। हम डॉकेट एक्सप्लोजन से नहीं, डॉकेट एक्सक्लूजन है इस देश में। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका राइट होता है पर वो कोर्ट जाते नहीं है, बिकॉज दे से कि हमारे पास इतने मींस नहीं है। मैं कई बार अपने कलीग जजेस से बात करता हूं कि कभी आपको सिविल लिटिगेशन करनी पड़े अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, आप क्या करेंगे? कहेंगे सर ही मारेंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया तो आपका लिटिगेशन नहीं लगता जी। That's a reality of life. Right. Everybody is saying that the fees are skyball. So, ये करेक्शन करना जरूरी है, अपनी सोच को ठीक रखना जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि साहब ये लड़का आज एक बैंक में पीओ लग गया है, ये लड़का करके एक पोलो हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर लगा है, इफ ही इज अर्निंग 70-75,000 एंड इफ आई एम अर्निंग 30-35,000 इन द नेक्स्ट 8-10 years आई विल बी फार बेटर ऑफ। एंड दिस इज अ रियलिटी, ये सच्चाई है कि जिन्होंने लगन से बैठ के काम किया वो अपने जो दूसरे दोस्त थे जो दूसरी लाइन्स में गए उनसे बहुत आगे निकले। सो कीप योर एम्बिशंस विद इन होल्ड, वेट। स्प्रिंग बोर्ड से उतनी ही आप छलांग लगा सकते हैं जितना आप उसमें लचकपन देंगे। जो स्प्रिंग करता है स्प्रिंग बोर्ड से वो एक बारी भी नहीं करता, वो 4-5 बारी उसको ऊपर नीचे करता है, फिर वो देखता है कि अब स्टेज आ गई है जी, अब मैं इसका फर्स्ट लेके जंप करूंगा। तो उतनी देर तक आपको भी अपने स्प्रिंग बोर्ड में ऐसे ही करना पड़ता है बिफोर यू टेक दी फाइनल प्लंज। एंड यस, सक्सेस विल श्योरली कम, लेट आए देर आए पर आएगी दुरुस्त जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपने इतनी बढ़िया बात रखी और मैं भी इस पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं और ये कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं, तो सब्र रखें, क्योंकि सब्र जो बेसब्री का जो आलम आजकल मैं देखता हूँ युवाओं में वो कुछ ज़्यादा ही, नॉट दैट आई एम वेरी ओल्ड, बट कभी कभी बेसब्री मुझे भी हो जाती है, लगता है कि क्यों नहीं हो रही, और छटपटाहट होती है। तो छटपटाहट में ना आए, जैसा कि सर ने बताया कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और कोशिश करते रहें, और इट्स अ मैराथन जो धीरे धीरे करके होती है। सर इसके बाद मैं वापस आपके एडवोकेसी के करियर पे आना चाहता हूँ, और एक छोटा सा सवाल मेरा बनता है, क्योंकि आपने सरकार और पीएसयूज को भी रिप्रेजेंट किया है, आपने प्राइवेट क्लाइंट्स भी देखे हैं, तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सर किस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना रहा आपके लिए कोर्ट में, वेदर इट वॉज द गवर्नमेंट और द प्राइवेट क्लाइंट्स? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्रांजिशन टूवर्ड्स जजशिप, बिकॉज फॉर एनी लॉयर इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेस्टीज, बट इट्स ऑल्सो समटाइम्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक इफ यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल लिटिगेशन प्रैक्टिस। तो ये दोनों सवाल सर मेरे आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, एज आई टोल्ड, एज अ करियर, एज अ जर्नी, एज अ लॉयर, हमेशा ये रही कि कोर्ट की मर्यादा एक वकील को बचानी बहुत जरूरी है। आपको कई बार एक एरेंट जज भी मिल जाता है, कोई ऐसा वकील नहीं है जिसके करियर में कोई उसको एरेंट जज ना आया हो, पर आप किस तरीके से डिग्निफाइड मैनर में उसको डील करते हैं। और मेरा यह मानना है कि आपकी गरिमा आप को रिफ्लेक्टेड गरिमा है कि आप किस बिल्डिंग में जा रहे हैं, किस बिल्डिंग से आ रहे हैं। और मैं एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल देता हूं, अगर एक प्रोस्टिट्यूट एक मंदिर से आ रही है तो लोग उसको नमस्कार प्रणाम करेंगे क्योंकि वो उसको श्रद्धालु देखेंगे, उसकी गरिमा उस मंदिर से आ रही है। और एक बड़ी सात्विक औरत अगर एक डेन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन से निकल रही है, उस बिल्डिंग से निकल रही है, तो लोग उसको दूसरी नजर से देखेंगे। योर ऑनर एंड योर प्रेस्टीज कम्स फ्रॉम द ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ योर वर्क प्लेस। सबसे पहले आई मस्ट टेल द लॉयर्स
आपको अपने कोर्ट, when I say building, I don't mean the physical building, कोर्ट as an institution की मर्यादा रखना जरूरी है। फिर अगर आपके कोई एरन जज आता है विनम्रता से, अपील टू हिज कॉन्शियस इन योर ओन मैनर, लीड हिम इन अ पर्टिकुलर वे। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ कि इलेक्शन पिटिशन, मैंने इलेक्शन लॉबी किया हुआ था, तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके खिलाफ एक करप्ट प्रैक्टिसेस पे टू सेट असाइड इलेक्शन पिटिशन आ गई जी। उसने आके कहा कि उसको पता चला है कि इस जज ने, कि ये जज फला फला आदमी को बहुत हाईली रिगार्ड करता है और वो आदमी समाज में बड़ा जाना हुआ माना हुआ इंसान था और उस आदमी की कोई इंटेग्रिटी प्रोबिटी पे कोई डाउट नहीं हो सकता था जी। उसने कहा ये जज इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और इस आदमी ने जज से कहा है कि मैं करप्ट प्रैक्टिस से ये इलेक्शन जीता हूं। तो जज ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैं कहा कि साहब आप रिक्यूजल की दरखास्त लगाइए, ऐसे की बात बनती नहीं है नहीं। ऐसे ही जज को इरिटेट करेंगे, इलेक्शन पिटिशन है पेपर में आएगा कि जज के खिलाफ हमने ये कहा, कुछ बात बनेगी नहीं। तो इन लॉ आई हैड 30 डेज राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। जब हम पेश हुए हमने कहा 30 डेज, तो जज ने कहा कि नहीं आप 5 दिन में करेंगे जी। तो मैंने कहा जब कानून में मेरा राइट 30 डेज का है, जब वही कानून कहता है कि इलेक्शन पिटिशन 6 मंथ्स में डिसाइड होगी। तो हमने कहा जज साहब से कि देखिए ये 6 मंथ्स आपकी ऑब्लिगेशन है और 30 दिन मेरा राइट है, तो आपकी ऑब्लिगेशन आप कैसे पूरी करेंगे वो आप जाने, आप मेरा राइट लेके अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकते जी। He said nothing doing और ऑर्डर में लिखा दिया लर्नेड काउंसिल वांट्स 5 डेज, 5 डेज ग्रांटेड। अब मेरे क्लाइंट ने कहा, मैं कहा अभी भी वो रिक्यूजल की बात बनती नहीं है। खैर हमने 5 डेज में फाइल कर दिया और हमने साथ साथ में एक पिटिशन लगा दी अंडर सेक्शन 81 रेड विद इनहेरेंट पावर्स फॉर रिजेक्शन ऑफ द इलेक्शन पिटिशन, क्योंकि लॉ ऑफ इलेक्शन पिटिशन बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये प्लीड नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे वेरीफाई नहीं किया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो वो स्ट्राइक ऑफ करनी पड़ती है, स्ट्राइक ऑफ करने के कुछ बचता नहीं है, हमने वो भी लगा दी। तो 5वें दिन जब वो लगी, बोले ये क्या है, हमने कहा हमने जवाब फाइल किया, ये हमने एप्लीकेशन है, इसको स्ट्राइक ऑफ करिए और इसके बाद इस इलेक्शन पिटिशन में कुछ बचता नहीं है। एनीवे दूसरे साइड के वकील ने कहा कि साहब ये चीजें इन्होंने अपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में भी कही है। मैं कहूँ तो मेरा राइट बनता है। तो इसे साहब इनका रिप्लाई बड़ा लंबा आया, तो मुझे 6 हफ्ते चाहिए जवाब जवाब देने का रेप्लीकेशन। क्या बात करते हो, तब 5 दिन में दोगे? तो मेरा क्लाइंट कहा साहब आप करो, हमने कहा अभी भी नहीं करेंगे। तो 5 दिन के बाद उन्होंने फिर से लगा दी, तो हमने कहा हमारी एप्लीकेशन सुनिए, कहते चलो मैं इशू सेटल कर देता हूँ और इसको प्रिलिमिनरी कर देता हूं। मैं कहा बात तो एक ही आ गई है। तो इशू सेटल कर दिया और करने के बाद बोला दिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। मैं सर आपने तो कहा प्रिलिमिनरी, इसे मैं डिसाइड प्रिलिमिनरी में कर दूंगा। तो हमारे क्लाइंट ने कहा अभी करो, मैं कहा अभी भी बात बन नहीं रही। नाउ कम्स द पॉइंट, तो जब उन्होंने विद इन 1 मंथ ही पुट द केस फॉर ट्रायल और ओरिजिनल साइड के जज होते थे, आधे घंटे में सारा बोर्ड डिस्चार्ज करके बोले गवाह को लाओ, एग्जामिनेशन इन चीफ शुरू कराया, एक दिन चला, अगले दिन चला और डन से 15 मिनट पहले खत्म हुआ। तो हमने कहा कि साहब क्रॉस के लिए कल दे दो मुझे जी, इसे शुरू करो, कल तक का एविडेंस तो तुमको मैंने सर्टिफाइड कॉपी दे रखी है, कच्ची कॉपी मिलती थी एविडेंस की, ये सवेरे वाली है ना। खैर हमने उसे 3 सवाल पूछे तो वो तीसरे सवाल पे बोले ये रेलेवेंट नहीं है। हमने कहा रेलेवेंट है, बोले कैसे, हमें विटनेस को बाहर भेजो, इसे अच्छा चलो आने दो। नेक्स्ट बोला फिर बोले रेलेवेंट है, तो मैं कहा विटनेस को बाहर भेजो, कहते ऐसे तो ट्रायल चलेगा नहीं, तुम मेरे रेलेवेंट पूछते जाओगे। तो मैं कहा अच्छा आपको नहीं करना तो आप रिकॉर्ड कर लो कि ये क्वेश्चन था, आपने डिसअलाउ करा। कहता बात तो वही आ गई, यही लगा रहेगा। खैर लंच हो गया, हम लंच में गए, हमने एक एप्लीकेशन बनाई इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली इलेक्शन पिटिशन सो एंड सो पिटिशनर सो एंड सो रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 सो एंड सो, फॉलोइंग क्वेश्चन वाज पुट टू द विटनेस, बीच में रखा ब्लैंक, स्टेंसिल करते थे। द कोर्ट सेड द क्वेश्चन इज इररेलेवेंट, आई सेड इट इज रेलेवेंट,
The court did not permit me to explain the relevance by making the witness go out, saying time will be wasted. The court is not even allowing the question to be taken on record. Ostensible road hoye, or 250 aisi application hai bani. Oath commissioner said affidavit attest. Or index bana, urgent application lagi. 2070 paise ki ticketen lagi. अब उस स्टेंसल वाला एक दो पेज की एप्लीकेशन, दो पेज का एफिडेविट क्योंकि वेरिफिकेशन बाद पीछे जाता था, एक पेज का इंडेक्स, एक पेज, तो वो हर एप्लीकेशन तकरीबन आधा सेंटीमीटर थिक नजर आती थी जी। तो ऐसा ऐसी बनी तो दो बड़े बड़े पलंदे बन गए। तो 2:30 बजे जब आफ्टर लंच, तब 1 से 2 तक लंच ब्रेक होता था, तो 2 बजे एग्जैक्टली जज साहब आए। हमने पहला सवाल पूछा, बोले इररिलेवेंट, कोई ड्रामा वाला। मेरे एसोसिएट ने तब तक वो सवाल लिख लिया क्योंकि वो ब्लैंक स्पेस रखी थी, तो मैंने दी उनको। बोले ये क्या है? मैंने कहा साहब ये मेरी एप्लीकेशन है, आप मेरा सवाल रिकॉर्ड में ले ही नहीं रहे हैं, व्हाट कैन आई डू? किसे अगर मैं तुम्हारी एप्लीकेशन दी ना तो क्या करोगे? फिर मैं कहा मैं रजिस्ट्री में फाइल करता जाऊंगा, मेरे पास फाइलिंग नंबर होगा, तो आज सारा दिन यही होगा। बोले ये कितनी एप्लीकेशन लाए हो? मैं बोला जैसे साहब 250। तो ही स्माइल्ड, इसे चैम्बर में आओ। मैं चेंबर में गया, बोले क्या हो गया? फिर मैंने उनको बताया कि जैसा मेरे क्लाइंट ने ऐसा ऐसा कहा है और आप बहुत हरी थ्रू कर रहे हैं। ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड प्रदीप यू आर राइट, मैंने ऐसे कहा था। एंड आई वाज डिटरमिंड टू सेट असाइड हिज बिकॉज दैट मैन डज नॉट टेल अ लाई, बट आई फॉरगॉट कि एज अ जज मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग केप्ट the prestige of this court intact and I will recuse. Court mein chale jao. Main court mein gaya, 5 minute baad aaye and he told that I am recusing. So as a lawyer you have to do that. Ji. And then you said as a transition as a judge. Ji sir. Yes. You build your reputation of fairness. You build your reputation as a person who can handle pressures of work. अब आई बात finances की। जी। अब ये problem ज्यादा है, मेरे time पे कम थी, क्योंकि मेरे time पे मैंने 81 में people like Sharab जी and Nariman को 1100 की पेशी पे appear कराया। So during my time, and I became a judge in 2002, yes, incomes had gone up, but not in this manner that you would be earning 15 crores, 20 crores per annum. Itni nahi hoti thi. Ji. Phir ye bhi depend karta hai ki aapko kis age pe, kis stage pe offer hoti hai. I was then 43 and a half. By the time I came on the bench, I was less than 45. फिर आपको लगता है कि यू विल रीच एट हायर लेवल्स, किस हायर लेवल तक पहुंचोगे वो तो भाग्य की बात है, बट यू नो दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिस्टम। आपको ये पता है मैं डीवीज हेड करूंगा, मेरे को इम्पोर्टेंट बेंचेस मिलेंगी, मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊंगा। अभी भी आप बात कभी केस देखते हैं और आप प्रेस करते हैं ये लॉ 1710 पढ़ते हैं, कौन जज था जी? आज 21वीं सदी में आप 1710 का देखते हैं, है ना, जस्टिस स्वेल ऑफ चांसरी डिवीजन। सो ये भी था कि जब तक ये लीगल सिस्टम रहेगा, यू विल इमॉर्टलाइज योर सेल्फ, योर नेम्स देयर इन दी लॉ बुक्स। कभी वो आपकी जजमेंट प्रीसिडेंट साइट होगी, कभी डिस्टिंग्विश होगी, कभी ओवर रूल होगी। यू विल ब्रीथ द फ्यूचर ब्रेथ through the breath of the future lawyer. You will not be there. You will see through the eyes of the future lawyer for, I don't know, thousands of years. And then somewhere you have to give it to the system also. You owe it to the system. एक स्टेज तक तो आपने ठीक है पैसा बना लिया, अब जाके कई लोग पैसा कमा के चैरिटी में भी तो स्पेंड करते हैं, तो ये भी एक चैरिटी समझिए। So there was, I found no problem in this transition at all. But now, yes, media बहुत prying हो गया है, at the drop of the hat, integrity के issues आने शुरू हो गए,
यू डोंट लाइक अ व्यू टेकन बाय अ जज, तो बोले साहब थिंकिंग ठीक नहीं है इसका, यू नो आई मे बी विद अ लेफ्टिस्ट लीनिंग, आई मे बी अ सेंट्रिस्ट इन माय लीनिंग, बट दैट डजंट मीन दैट मेरी थिंकिंग खराब है. बट आजकल क्या हो गया है सोसाइटी में, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, वी हैव बिकम अ सोसाइटी ऑफ डाउटिंग पीपल. हम सब एक दूसरे को बड़ी डाउट की नजर से देखते हैं, which has added on to the pressure on a judge. So that is a very, very true. In fact, this brings me to my next question, and to your tenure of being a judge and then heading to a very eminent high courts of the country also after Delhi High Court. But before I take a journey to Rajasthan High Court and Bombay High Court, I would like to know a little bit about your journey in Delhi High Court. One, that the transition took place and you have given your reasoning. Aapne bataya ki ek tarike se charity hai, nobility hai, society ko give back karne ki kitni badi opportunity milti hai, aur bahut sare aur bhi aapne karan uske zahir kiye. Par mere do teen sawal sir isse ye nikal ke aate hain aur usko main abhi jo aapne samikaran kiya ki kis tarike se media ki paini nazrein hum pe टिकी रहती हैं और कैसे कैसे विश्लेषण हो रहा है, हर जगह बाल की खाल भी मैं कहूँगा कुछ हद तक निकाल दी जाती है, चाहे वकील हो चाहे जज हो, और बहुत हाई प्रेशर जॉब है जाहिर सी बात है. जजेस जो सर्विंग जजेस हैं कहीं ना कहीं आउट ऑफ कस्टम, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ओपन में नहीं आते हैं, दे डोंट गिव मीडिया ब्रीफिंग्स, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन इंटरव्यूज, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन अ सोशल लाइफ सो एज टू से, क्योंकि ट्रेडिशनली एक कल्चर एक कस्टम हम लोगों का बना हुआ है. लेकिन मैं सर आपसे ये समझना चाहूँगा, पहले तो जो आपका कार्यकाल रहा दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ बतौर व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेशनल तौर पर आपको देखने को मिली, क्योंकि अब आप वकील से जज बन चुके थे, और जैसा होता है कि वकील जब आप हम होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कई बार डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट जाने के, पर जब आप जज होते हैं तो एक तो पेशेंस मुझे लगता है बहुत डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि जो एक 4 से 6 घंटे की जो बैठने का टेन्योर है, स्पेशली हाई कोर्ट में 10:30 बजे प्रिसाइड कर जाते हैं हमारे हाई कोर्ट, और तकरीबन 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, शाम को कई बार लंबी हेयरिंग्स भी चल जाती हैं, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं, बाकी कमिटमेंट्स हैं जजेस के, और तरह तरह के वकीलों को सुनना ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, बिकॉज समटाइम्स यू मे बी हेयरिंग द बेस्ट ऑफ लॉयर्स एंड समटाइम्स यू मे बी हेयरिंग वेरी टेस्टिंग लॉयर्स इफ आई मे से सो. तो वो सब चीज़ें और वो जो आपके एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों तक साझा करें, और उसके बाद एक दो और चीज़ों पर आएंगे जहाँ पर हम मीडिया की बात भी करेंगे और आपके राजस्थान और बॉम्बे हाईकोर्ट के टेन्योर को भी डिस्कस करेंगे. I would say कि I think I was one of those blessed judges जिन्होंने at the very जिसको कहते हैं ना nation stage of judgeship जी, and at a cradle stage I got a very beautiful opportunity to transform myself. मैं civil और revenue lawyer था, मैं कभी criminal काम किया ही नहीं था, and I was in part of the second division bench, first division bench, तो chief justice साहब की होती है जी. Criminal bench के जो judges थे उन्होंने parliament house attack केस में recusal कर दिया, और वो matter on a transfer came to our bench. तो जब वो आया तो मार्च का महीना था, एक हफ्ता रह रहा था मार्च के वो हमारे अप्रैल ब्रेक का, तो वो हेयरिंग पे आ गया जी. मेरे तब देन चीफ जस्टिस ने मेरे से एक हफ्ता पहले बात की थी कि क्योंकि आप ट्रायल कोर्ट सिविल लॉयर है तो ओरिजिनल साइड दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत पेंडेंसी हो रखी है, तो मैं आपको अप्रैल से ओरिजिनल साइड में सिंगल भेज दूंगा. ये चीज मुझे मालूम थी क्योंकि उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया था जी. पर आपको बताना नहीं है क्योंकि तो रोस्टर की बात है, मैं प्री कंसल्टेशन ले रहा हूं. आई सेड फाइन. तो 5 दिन बचे थे एक वेकेशन के लिए, तो मंडे को ये मैटर लिस्ट हो गया. तो सीनियर जज ने कहा बेस शुरू करो, एंड द टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर्स, द मैटर वाज ऑफ सच इंपॉर्टेंस, द ग्लेयर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया वाज आल्सो देयर, देयर वाज ह्यूज इश्यूज दैट वेदर इट वाज अ फेयर ट्रायल, whether it was a miscarriage of justice, whatever it was, I'm not into that. तो हमने कहा कि कुछ छुट्टी के बाद शुरू कर लेंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 5 दिन इसको शुरू करते हैं. तो हमने कहा कि छुट्टी से पहले वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है वर्क का, ये भी कह रहे हैं कि हम मंडे टू थर्सडे करेंगे, फ्राइडे ये भी करना नहीं चाहते, आपकी स्पेशल बेंचेस लगेंगी, तो 4 दिन में क्या सुनेंगे अपनी एलपी, आधा दिन ही तो सुन पाएंगे, तो छुट्टी के बाद
सकते हैं? बोले नहीं, हम क्या करते हैं, हम जूनियर जज थे. सो दैट मैटर स्टार्टेड गेटिंग आर्ग्यूड. एनीवे नया रोस्टर आ गया, हम ओरिजिनल साइड पे पहुंच गए. तो वहां वकीलों ने प्रोटेस्ट किए तो बहस शुरू हो गई थी. दूसरी साइड ने कहा शुरू क्या हुई थी, प्रिलिमिनरी था, एक दिन दो घंटे हुई, एक दिन एक घंटा हुआ, अगले दिन हुई नहीं, उसके बाद थर्सडे को डेढ़ घंटा चली. बैकग्राउंड फैक्ट्री तो दिए तो नहीं बेंच शुरू करेगी. खैर एनी वे आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट. तो वो हमको वापिस उस बेंच में वापिस लाया गया. जी नॉर्मली अ सीनियर जज वुड राइट दिस जजमेंट. आई वाज द जूनियर मोस्ट जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट देन. आई ऑथर्ड दैट जजमेंट, डेल्ट विद इश्यूज ऑफ क्रिमिनल. पोटा पहली बार इंटरप्रेट हुआ जी. सेक्शन 65 बी एविडेंस एक्ट पहली बार हुआ. व्हाट इज टेररिज्म पहली बार हुआ. एंड यू फील प्राउड of all the reported judgments of the Supreme Court till today, there is only one where a High Court judge has been named. मैं गया उन Supreme Court judge के पास, मैंने कहा आपने क्यों लिखा, लिखा in a well considered authored judgment by Justice Pradeep Nandrajog. मैंने कहा आपने क्यों लिखा, इसे जब मुझे पता चला कि आप तो civil lawyer थे and you were a very junior judge, you were the junior most judge, you could write this, I must acknowledge it. Meaning thereby कि हाँ वो ट्रांजिशन एक चैलेंज आया. द टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर द लेट राम जेठमलानी वॉज देयर, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज. आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड दैट वॉज माई फर्स्ट फॉरे इनटू क्रिमिनल लॉ. अब उसको लिखाते हुए बड़ी दिक्कत, क्योंकि वो सिविल लैंग्वेज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड ऑफ, बोले ये क्रिमिनल लॉ में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी likelihood of this cannot be. अब वो एक्सप्रेशन जमान में आते थे जी. जी फिर मैंने, आप माने कि वो मेरी जो जजमेंट थी उसका मैंने लीगल पार्ट्स डिक्टेट करे, फैक्चुअल आई रोट इट बाय हैंड, क्योंकि बोलते समय वो अंदर से जहन से वो सिविल लॉ के एक्सप्रेशन निकलते थे जी. एंड सो वंस इफ यू से यू मीट सक्सेस एट एन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, इट एक्ट्स एज अ booster to you. And then it gives you that confidence कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूं जिसके अंदर मेरे का रूडिमेंट्री ट्रेनिंग भी नहीं है, तो जिसमें मेरे को ट्रेनिंग है वो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम. बाकी अपने कहा वो बैठने की, तो ये तो मालूम था. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि अ लॉयर ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स में भी मूविंग अराउंड, पर जिसके पास काफी काम होता है तो वो शाम को 5-6 घंटे भी तो अपने चेंबर में बैठ के एक लग काम करते हैं ना. तो आपको 5 घंटे शाम को जो आप चेंबर में बैठे रहते थे वो आपको 5 घंटे मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट करते हैं ना. आप कम से कम ना, अभी एक क्लाइंट आ रहा है जी, दूसरा क्लाइंट आ रहा है जी, एंड दैट एंजाइटी. किसी ने मुझे बोला जब बनने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा एक एंजाइटी चलेगी. बोले क्या, ये सूट फाइल किया है, ये कल किस जज के यहाँ लग रहा है, बड़ा जरूरी होता है, ये इंजंक्शन दे देगा. अरे ये तो देगा ही नहीं, यहाँ तो फायदा ही नहीं है, अच्छा यहाँ थोड़ी मेहनत करके मिल जाएगी. सो दैट एंजाइटी यूज टू गो एंड यू बिकेम द सोर्स ऑफ दैट एंजाइटी टू द बार. सो इट बिकेम वेरी डिस्ट्रेसिंग टू बी अ जज. इट बिकेम, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जिस दिन मैं पहले दिन जा रहा था तो हमारे एक जज साहब का अचलर था, वो बहुत चेज करता था, बख्शीश साहब रिलीफ मिल जाए, बख्शीश साहब चेंबर में आ जाता था और कभी ना हो तो दो हफ्ते बाद याद दिलाता था कि साहब उस दिन की बख्शीश नहीं. तो मैं जब जा रहा था तो वो कॉरिडोर में मुझे मिला, उसने स्माइल किया, मैंने स्माइल किया, फिर मैंने उसको बोला राम प्रसाद अब मैं तेरे से घबराऊंगा नहीं क्योंकि तू मेरे टीचर. और नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं कभी बख्शीश लेने नहीं आया. मैं कहा लेने तो बहुत आया, और मैं तेरे को देखता था हादसे से हट जाता था क्योंकि तू बख्शीश ही मांगता था. पर अब आई डोंट हैव एनी, दीस आर द लाइट ऑफ पार्ट्स, यू थिंक लाइक दैट, गेट डिस्ट्रेस. यस एंड लेट मी टेल यू, द सीनियर जजेस मेंटर यू अ लॉट, दे सी दैट यू आर कंफर्टेबल. योर चीफ जस्टिस पुट्स यू इन दोस कमिटीज वेयर इज लाइट वर्क एंड lot of internal love and affection, protection in the sense of guidance, and everything comes. It's a good fraternity. Yes. It was a lovely experience being a judge and
sitting with those whom you held in awe and aura. Absolutely, absolutely. What a wonderful narration. In fact, sir, I have a small question cropping out of your tenure as a judge. If I'm not wrong, and please correct me if I am, कि आपने जुडिशियल एकेडमी में भी लेक्चर्स दिए हैं एंड यू हैव यू नो टॉट यंगर जजेस आल्सो. मेरे से सर दो सवाल निकल के आते हैं दैट व्हेन वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ जुडिशरी तो कहा जाता है कि जब भी आप सरकार से जुड़ते हैं कि एक सरकारी पोस्ट है तो बंगला गाड़ी घर एक तरह के कंफर्ट मिल जाते हैं इंसान को. खासकर अगर जुडिशियल एकेडमी है तो आपको सीनियर जजेस सीनियर लॉयर्स आ रहे हैं ट्रेन करने, पर बार की हालत उतनी मैं समझता हूँ उतनी मुस्तैद नहीं है क्योंकि जब हम लोग अपना करियर शुरू करते हैं बतौर वकील तो ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते क्योंकि लॉ फर्म्स में देखा जाता है आजकल जो लॉ फर्म्स हैं कि कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, लॉ स्कूल में कुछ तक एजुकेशन दी जाती है, पर जो बच्चा अपना करियर शुरू कर रहा है जो शुरू की 5 साल 10 साल पैर जमाने की कोशिश कर रहा है वकालत में, ऐसा देखा जाता है कि वी डोंट हैव अ रोबस्ट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग पीपल कि आप कैसे करें. और जो गलतियाँ होती हैं वो कोर्ट ही में आके होती हैं और उस कोर्ट से में जो गलतियां होती हैं सर कई बार इंसान को बहुत झकझोर देती हैं क्योंकि अगर कोई जज साहब का मिजाज खराब हो जाए या आपने गलती की क्लाइंट आपको छोड़ के चले जाए तो वन इट्स अ फाइनेंशियल हिट, इट्स अ प्रोफेशनल हिट एंड इट्स ऑल्सो हिट समवेयर यू नो इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो ये हम गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं टू ऑल्सो ब्रिंग दिस सिस्टम ऑफ सिमिलर टू जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग टू टू द बार ऑल्सो. देखिए ऐसे था, आई रिमेम्बर आई थिंक इट वॉज 2014 मैं बार आपके दिल्ली बार काउंसिल से बहुत रिक्वेस्ट करता था कि आपने एक लेक्चर कर दिया ये बेकार है, ऐसे स्ट्रक्चर कोर्सेज कराइए एंड आई विल डिलीवर प्रॉपर लेक्चर्स. एंड आई थिंक 2014 में एक बारी ये सिरी फोर्ट रोड में जो बार काउंसिल का दिल्ली बार काउंसिल का यहाँ है दफ्तर है और वहां मैंने 2 दिन लगातार फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग 4-4 लेक्चर्स. आई सेड इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए जी, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए. बेसिक एडवोकेसी स्किल, बेसिक ड्राफ्टिंग स्किल, बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग एविडेंस एंड इट वॉज पेड. वो पेड था जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ली, जो उनका खर्चा हुआ. बट आई डोंट नो वाई ये फिर आगे बार काउंसिल ने नहीं चलाया. अब फिर जब मैं दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरपर्सन बना तो जितने हमारे लीगल एड के वकील होते थे जी, उनकी बकाया ट्रेनिंग होती थी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती थी. तो ये रोल तो मेरे ख्याल बार काउंसिल का रोल है, बार एसोसिएशंस का रोल है. ये जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली में नहीं है, ये राजस्थान में भी मैंने नहीं देखा, पर बॉम्बे में मैंने देखा था कि बार वॉज वेरी वेरी एक्टिव. हाँ, हर महीने कम से कम 2 किसी ना किसी इशू के ऊपर प्रॉपर सीनियर लॉयर और सम रिटायर्ड जज और अ सिटिंग जज. नॉर्मली सिटिंग जजेस कई बारी इसलिए नहीं जाते क्योंकि कई बारी लोग किसी लाइव इश्यूज पे सवाल पूछ लेते हैं जी. एज ने आपने कहा कि जब आप जज बनते हैं आप पे कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं, यू कैन नॉट गो टू द प्रेस बिकॉज अ जज हैज टू स्पीक थ्रू हिज जजमेंट्स. जी सर, आई हैव नो राइट टू पास वैल्यू जजमेंट कि मेरे कलीग ने क्या किया, चल बहुत गलत किया होगा जी. अब मैं जा रहा हूँ तो मेरी प्रेस वाले एज ए चीफ जस्टिस पूछते साहब आपके एक जज साहब ने यह जजमेंट दे दिया, आपका इसका क्या टिप्पणी करनी है. हम स्माइल करके कहते थे अपील गई हुई है भैया, अपीलेट कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट देखेगी. यू कांट पास वैल्यू जजमेंट, यू कांट स्टार्ट रिपिंग अपार्ट एंड क्रिटिसाइजिंग एज अ फ्री पर्सन इज. एंड एज दे से कि सबसे बड़ा आपका लॉस क्या होता है व्हेन यू होल्ड ए पोजिशन ऑफ ऑफिस, आप अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको त्यागनी पड़ती है. यू कांट राइट एडिटोरियल्स इन दिस थिंग क्रिटिसाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल दैट. बट यस यू कैन, ये जुडिशियल एकेडमी जैसे करती है ये, इस देखा जाए बार को एक सवाल पूछना चाहिए अपने से कि व्हाई डिड दिस जजमेंट कम, कि जो जज बनता है उसको आप 1 साल की जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग देंगे. ये बार को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इज इट नॉट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी
कि ये जो 2-3 साल वकालत करके जो अब जज बन रहा है उसको एक रूडिमेंट्री भी नहीं मालूम क्या देखा गया था, उसका रीडर उसकी कोर्ट हाईजैक करता था, उसको आरसीपीएफ नहीं पता होता था कि रजिस्टर का कोड है ना ऑन फाइलिंग आरसीपीएफ, जैसे आरसी क्या होती है, पीएफ क्या होती है, सो वेरी बैड। सो आई थिंक ये बार को करना चाहिए। अब हर प्रोफेशन देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में देखिए, वो कराते हैं और डॉक्टर विलिंग भी जाते हैं। थिंग्स चेंज, न्यू ड्रग्स कम इन द मार्केट, प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रीटमेंट चेंज। एक जमाना होता था साहब इसका ऑपरेशन हो गया, अब इसको 30 दिन घर बैठे रहिए, और आज डॉक्टर ऑपरेशन करके बोलता है 15 घंटे बाद इसको चलाओ। एक टाइम पे होता था अगर आपकी बॉडी स्केल्ड हो गई या पानी में डालो ब्लिस्टर बनेंगे, अब होता है अगर हो गया पुट इट इन कोल्ड वाटर। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे जब ब्लिस्टर्स बनते थे तो सेप्टिसीमिया सेटिंग हो जाता था, सेप्टिसीमिया कंट्रोल करने की दवाई नहीं थी जी। तो डॉक्टर कहता था लेट द बर्न फेस्टर, द बिटवीन द टू सेप्टिसीमिया इज मोर डिफिकल्ट, बट टुडे वो सेप्टिसीमिया आपके पास दवाई आ गई है, आप कहते हैं कि वो जो बर्न है वो अंदर उसकी हीट वहीं फील कर दो, ब्लिस्टर होने दो, सेप्टिसीमिया होने दो। सो थिंग्स चेंज, थिंग्स चेंज, वही चीज इन्वर्ट हो जाती है प्रैक्टिस में भी। अब आप देखेंगे एक टाइम पे ओरल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता था, अब सिविल मैटर्स में ओरल एविडेंस बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसके साथ ईमेल्स एक्सचेंज हो, देयर इज अ कॉरस कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखता नहीं है कि साहब तुम ये कह रहे हो पर ये तुम्हारी डिमांड गलत है, इसे तुम्हारा स्टैंड गलत है, ये क्लॉज पढ़िए ना, इस पे मेरा राइट बनता है, वो जवाब देता है ये अगली क्लॉज तो पढ़ो ना। वो कहता दोनों को रीड करके इसका मतलब ये नहीं निकलता, वो कहता क्यों नहीं निकलता, यही निकलता है। इनफैक्ट पार्टीज हैव पोजीशन देमसेल्व्स, एंड लेट मी टेल यू 9 out of 10 सिविल केसेस में एविडेंस की जरूरत ही नहीं है जी, बिकॉज कंटेम्परेनियस कॉन्डक्ट हैज शोन व्हाट इट इज। सो यस, बार काउंसिल को करना चाहिए, काउंसिल तब करेगी कि जब कंस्टिट्यूएंसी डिमांड करे जी। अब अगर कंस्टिट्यूएंसी डिमांड ही नहीं करती तो वो क्यों करेंगे, व्हाई कांट द लॉयर्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर करना होता है यंग लॉयर्स कैन फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन, नॉन रजिस्टर्ड एसोसिएशन, व्हाई कांट दे कम एंड टेल। अब कई लॉ फर्म्स ने मुझे कहा कि हमारे इन हाउस काउंसिल के लिए कर दो, हमने की जी। Why can't a group of 100 lawyers come to me? कि साहब हम नए बच्चे हैं, हमको कुछ नहीं करना, सर हमको इस एरिया पे आप लेक्चर दे दो, I'll be more than willing, and not I, there are many judges who are more than willing. जी। इतने सीनियर वकील वो भी more than willing हैं। And बट साहब क्या आप देख नहीं रहे, आप आर्बिट्रेशन में नहीं देख रहे, an association of lawyers उनके कितने वेबिनार्स और सेमिनार चलते हैं, वो क्योंकि वो सब फ्री होते हैं, वो सब इस हाँ वो 5-star में होगा तो पे होगा, पर वो आपने उतना ही पे किया ना, वहां बढ़िया खाना खाया, दोस्त भी मिल लिए, अब वेबिनार में लोग कर रहे हैं, दूसरे वकील भी कर सकते हैं। सो हेल्प योरसेल्फ, डिमांड इट। राइट सर, सो इसी को सर जो आपने बात बताई कि जो हम चीजें आगे बढ़ेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट विद माय फेलो लॉयर्स एंड कोलीग्स कि इसको हम कर सकें, नॉट जस्ट फॉर आर बेनिफिट, ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द यंगर जनरेशन, ताकि जो लीगल फ्रेटर्निटी हमारी उसको हम और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर सकें। सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बोथ फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ अ लॉयर एंड बोथ एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि हमारी बड़ी शिकायत रहती है हमारे कोर्ट्स को लेके कि तारीख पे तारीख बहुत पड़ जाती है, और ये शिकायत आज की नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले 20-30 सालों से ये शिकायत लगातार बनी आती है, और बींग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आई कैन से एंड आई नो दैट जजेज आर रियली रियली हार्ड प्रेस फॉर टाइम, और ऐसा कई बार देखा गया है कि मोस्ट ऑफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग इन लेस देन 50% ऑफ द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ वेदर इट बी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे कमिटमेंट जो हमने बताए, साथ ही उसके सर एक हमेशा देखा गया है कि कहीं ना कहीं फंडिंग की हमेशा कमी रहती है सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर फंडिंग मिल जाए जुडिशरी को तो चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जजेस की सैलरी हो, स्टाफ की सैलरी, तो बड़े सारे मुद्दे आते हैं, तो इस पे सर मैं कुछ सॉल्यूशंस जानना चाहूँगा आपसे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द सिस्टम, क्योंकि पैंडेमिक हैज शोन अस वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच इज़ वर्चुअल कोर्ट हियरिंग, विच इज़ ऑल्सो इन शॉर्ट कि विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन कम्यूट, ऑन फाइंडिंग अ पार्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देर आर सो मेनी अदर इशूज, वी कैन स्टिल गेट द वर्क डन, चाहे वो जूम हो, सिस्को वेबिक्स हो, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लॉन्च किया, द फर्स्ट कोर्ट इन द कंट्री टू स्टार्ट वर्चुअल हियरिंग्स,
बट समहाउ लास्ट माइल जो जस्टिस की जो रीच है, अवेलेबिलिटी हमारे देश में, चाहे वो तालुकास को लेके हो या मुफस्सिल को लेके या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेके, अभी भी सर उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम परेशानी देख रहे हैं। तो इस पे सर कुछ सॉल्यूशंस और आपके मैं कमेंट्स जानना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें तो देर इज अ ह्यूज इशू। अब गवर्नमेंट से बात करें, कभी आप एट द एंड ऑफ द कभी बजट स्पीच को देखें और उसके दिन अगले दिन विश्लेषण देखें, फॉर एवरी रुपी विच द गवर्नमेंट गेट्स 88 पैसा तो पहला ही प्री स्पेंट होता है। इतनी पेंशन, इतनी तनख्वाह, इतना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जी गवर्नमेंट के पास सिर्फ 12 पैसे बचते हैं हर रुपए में, जिससे वो अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट कर सकते हैं। अब वो 100 पैसे में अगर 12 पैसे का ही आ रहा है, और अगर आपको एंड लेटर से अगर आपके ऑप्शन ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है और आपको 6 महीने की डेट मिल रही है और आपके 2 घंटे की ओपीडी में 100 पेशेंट डॉक्टर देख रहा है, जेन लेट्स एक्सेप्ट इट। इफ अ डॉक्टर हैज टू एग्जामिन यू ढंग से, उसको 10 मिनट चाहिए। वो स्टेथोस्कोप लगाएगा जी। आपको 10 बारी ब्रीद इन ब्रीद आउट कराएगा, आपकी अपर लेफ्ट चेस्ट, अपर राइट चेस्ट, मिडल लेफ्ट राइट सेंटर बैक, उसे देखेगा कि आपके पल्मोनरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इट नीड्स 10 मिनट्स। तो वो 1 घंटे में 6 2 घंटे में 12 पर उसको 100 देखने होते हैं और वो 100 देखता है। व्हाट डज ही डू? वो पहले वो बाहर से पर्ची में होता है ना, बोले रिपीट कौन आया है, बोले 100 आते हैं रिपीट, ठीक नहीं है वो 100 को तो 5 मिनट में ही लगा देता है, चलो इसको यही दे दो। दूसरा बोलता है अच्छा ये सिम्टम है, वो उसको पता है कि अब मानसून सीजन आ रहा है मैम, फूड की इट मस्ट बी दिस, ये सिम्टम डायरिया के हैं जी, शायद के ना भी हो, मिसकैरेज करता। बट इन अ कोर्ट यू कांट डू इट। नाउ कम्स टू अ पॉइंट, सो इफ द गवर्नमेंट सेज आई हैव 6 पैसा टू स्पेंड, शुड आई स्पेंड ऑन अ कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैं मेडिकल में करूं, आप क्या बोलेंगे? आई थिंक 99 out of 100 पीपल विल से आप मेडिकल में स्पेंड कर दीजिए, तो दैट इज मोर क्रिटिकल। सपोज एजुकेशन आता है, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट टुडे ऑन कोर्ट डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट, बट अबाउट 2% ऑफ द रेवेन्यू इज बीइंग स्पेंट ऑन कोर्ट, बट ऑन एजुकेशन वी आर स्टिल ऑन 1.5। यू नीड अ ब्रिज। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही इनएडिक्वेट था जी। सो देयरफॉर लेट अस एक्सेप्ट इट टू से दैट यू ब्लेम द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही, द गवर्नमेंट सेज व्हाट कैन आई डू, इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती है, लेट्स नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट एंड लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर कि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने करोड़ दें, इतने हम जजेस स्ट्रेंथ इंक्रीज करें चलेगा, ये इल्यूजरी है। और किसी इंसान को बोले अगर तुम ये करोगे तब मैं ये करूंगा, तो आप अपनी फेलियर एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये बोले मैं अपने आप में क्या कर सकता हूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये भी डेटा है जो पब्लिक डोमेन में जुडिशरी आने नहीं देती, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस हैज नॉट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजमेंट्स, वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुआ। नाउ कम्स वेयर, अब देखिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया, बोले केस मैनेजमेंट हियरिंग, हाउ मेनी जजेस हैव बीन एबल टू डू केस मैनेजमेंट हियरिंग, व्हेन आई ट्राइड इट 2 घंटे लगते थे केस मैनेजमेंट हियरिंग में, पूरा फाइल पढ़ना, कि सारी जजमेंट देना आसान काम नहीं है जी। तो सारा पढ़ना पड़ता है,
और फिर कहें कि साहब ये इतना वूली एविडेंस है और अगर ये इस पर सक्सीड भी करेगा तो इसके अभी दो लिम्स ऑफ एविडेंस मिसिंग है और जब तक ये वो दो लिम्स भी नहीं लाएगा तब तक सक्सीड नहीं कर सकता. यू आर सो मच बॉक डाउन ऑन टाइम यू कांट. नाउ स्टिल अ सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड. नाउ लेट मी टेल यू द सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड इन द बार. ये जो प्रोलिक्स और लेंथी प्लीडिंग्स हैं आप जरा कचहरी में जाइए 1950 की प्लेंट उठाइए फिर 1960 की उठाइए 70 की 80 की उठाइए. आपको 1950 की सबसे कम मिलेगी क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई मिलती थी. टाइपराइटर आ गया था तो डॉट ऑफ बॉयज डिंट हैव अ टाइपराइटर जी. बस चीज पैसे आ गए तो जब टाइपराइटर आ गया तो साहब लिखने में जरा कष्ट करना पड़ता है तो कम से कम शब्दावली का इस्तेमाल करके लिखो. टाइपराइटर में जरा थोड़ा लंबा लिख दो और फिर जब कंप्यूटर आए सेम थिंग यू फाइंड. द एवरेज लेंथ ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1950 एंड एज ऑफ नाउ हैज बिकम थ्री टाइम्स. अब आपके पास एक प्रेसिडेंट है वो इतना वेल रिकग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो 50 जजमेंट में आया वकील 50 की 50 साइड करता है. मेरी 50 की 50 लिखो आप बैठ के. सो प्रोलिक्सिटी ऑफ द प्लीडिंग्स हैव्स टू बी रिमूव्ड. गो बैक टू योर बेसिक्स. मैं आधा टाइम बात से यही कहता था गो बैक टू योर बेसिक. इसने ये लिख दिया मैंने ये चिट्ठी लिख दी उसने ये दी मेल दी. इफेक्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू बी प्लीडेड. रिप्लीट I wrote a mail to him, he sent a mail back, I sent a mail, he sent a mail. अरे भैया इसके बाद he sent के effect क्या हुआ? Correct. Unfortunately, you see, मैं with regret एक चीज कह रहा हूँ, not in a to down denote somebody of his prestige. In what manner the defendant is answerable to the plaintiff? अब आपको 99.9% plaint में ये मिलता ही नहीं है. In what manner is answerable to me? So उससे क्या हो रहा है? Time बहुत consume होता है. And when you know what is time management, यही है time management. अब आपके पास let us take like this दो चूल्हे हैं और घर में आपने एक कोई घर में function है और आप कर क्या आपकी housewife कैसे करती है? उसको पता होता है कि साहब ये दाल रखनी है ना ये थोड़ी उबलने में इसको एक घंटा चाहिए पर इस पे मेरे को खड़े होने की जरूरत नहीं है वो उसको लगा देती है जी. फिर इधर से वो बैठ के साहब मैं ये अपनी सब्जी काट लेती हूँ. सब्जी कटने के बाद वो कहती है कि मैं अपना आटा गूंद के रख लेती हूँ. फिर वो कहती है कि मुझे एक सब्जी और बनानी है फिर वो उसको काट लेती है. फिर वो देखती है कि साहब अभी एक चूल्हा तो मेरा गैस का कंजम्पशन चल ही रहा है. So she sits down, picks up a pan and does multitasking. Then she makes that one vegetable and then she makes the other one. Suppose, let us take and let me give, you know this practical illustration. उसको भरता बनाना है. उसको पता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा. वो कह रही है मेरी दाल जब तक एक घंटा उबल रही है तो तब तक मैं एक घंटा इसको गैस पे भून भी लूँ, इसको पानी में डाल के इसको उसका छिलका भी निकाल लूँ, फिर टमाटर पर करके उसको भून भी. सो शी डज टू थिंग्स साइमल्टेनियसली. शी यूटिलाइजेस वन आवर फॉर टेकिंग आउट टू एंड प्रोडक्ट्स जी. लेट अस टेक लाइक दिस. अब वो उसमें दूसरी सब्जी बनानी शुरू कर दे. शी हैज टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर मेकिंग हर अदर वेजिटेबल. तो अगर वो ये सोच सकती है कि वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? They do it. आप किसी कारपेंटर को देखें वो अपने साथ एक असिस्टेंट लेके आया होता है जी. वो उसको बोलता है तू भैया ये प्लाई को जरा आरा लगा ना तब तक मैं जरा बिल्डिंग कर लेता हूँ जी. So, works in a team. He doesn't give the building work to his other fellow because he's not trained. उसको पता है ये फाइननेस का काम है. तो सिमिलरली वहां कहां से लॉयर इन द जज. मैंने बहुत बारी वकीलों से ये कहा. आई टोल्ड सम ऑफ माय कलीग जजेस आल्सो
एंड आई डिड इट माई सेल्फ ऑन फॉर टू टाइम बट पीपल डिडंट लाइक इट. आपने कभी जजमेंट पढ़ी है जयंत? 20 पेज की जजमेंट, 15 पेज तो नरेशन ऑफ केस एंड फैक्ट्स एंड राइवल वर्जन होता है. जज की डीलिंग तो 5 पेज होती है. इफ यू टेल टू लॉयर्स, क्या वो पहले 15 पेज तो जो तुम एग्री करके ला दो मुझे, इज द बार रेडी टू डू इट? इफ द बार वॉन्ट्स इट एंड इफ दे कैन गिव दोज 15 पेजेस, यू जस्ट लीव द जज फॉर द लास्ट 5. Why can't the plaintiff tell to the judge, the case needed sir, ये है बिल्कुल, है ना? और defendant भी मानता है, हाँ सर ये है. वो जज कहता है ये 5 पैराग्राफ लिख दूँ मैं, केस ऑफ द डिफेंडेंट इज बोले ये है. प्लेंटिफ मानता बोले ये लिख दूँ, इश्यूज ये थे. The short narration of which part of the testimony of the witness is being questioned and on what ground, इस पर तो parties agree कर सकती है ना, यही टेस्टिमनी क्वेश्चन हो रही है इस ग्राउंड पे हो रही है. एंड द डिबेट इज कि दिस डजंट डिस्क्रेडिट द विटनेस और इट डिस्क्रेडिट्स द विटनेस. लीव दैट फॉर द जज टू राइट. सो व्हेन आई एम सेइंग कि अगर हमको गिवन द स्पेस ये करना है, देन दैट्स द ओनली वे आउट. डोंट वी रीड इन जापान एंड कोरिया where there is so much pressure on urban land. Don't we read that couples have started renting a house together? जी. On what basis? जो night shift वाले होते हैं और जो day shift वाले होते हैं. And अगर हम दोनों, they share this thing, they take one house on rent. So it is just like this. I work during the day and my spouse works during the day. But वो घर हमारा the whole day it is being lying vacant. So somebody else moves in, ki ho gaya sahab main night shift mein kaam karta hu, tum din mein bahar rehte ho, so it will be your house in the night and my house during the day. So people find solutions when there is a lack of resources. And to say mujhe resource do pehle phir main karunga, that's a wrong way of looking at it. That resource will never come. So I think the bar needs to do some introspection and have a meaningful dialogue with the judges as well. Tab niklega, warna ye arrears kabhi niche nahi jayenge. Do not forget, after Nirbhay, the strength of the subordinate judiciary in Delhi was nearly doubled. The strength of judicial officers in the district judiciary in Delhi is 1,400. Rajasthan has only 2,900. Much larger. जी. But percentage wise, ठीक है वो दूसरी बात आप कहोगे कि वहां area 3% है, Delhi में 1% है, but in numbers they are far ahead. Why? Because somewhere excess also breeds complacency. We become very complacent. So the solution has to be ye 360 degrees look dena padega. Active cooperation of brevity from the bar, little strictness from the judge. And let me tell you, just then I came to take oath, a senior judge told me, do not aspire for the bar to love you. Aspire for the bar to respect you. Unfortunately, large number of judges want to become the darlings of the bar. Never try to seek to become a darling of the bar. Seek their respect by your work and make them equally work. But resources nahi aayenge aapko. Aapko isi resource se chalana. तो आपने बड़ी अच्छी बात की. एक छोटा सा सवाल इसमें मेरा और है कि बिटवीन द जजेस एंड द लॉयर्स देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रजिस्ट्री. और कई बार आई आपने भी फेस किया होगा जब आप वकील थे और हम भी फेस करते हैं सर ऑन अ डे टू डे बेसिस की कई बार स्पेशली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडमिक जहाँ पे कोर्ट्स की जो वर्क जो स्टाइल है बड़ा लिमिटेड हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट द नेशन हैज़ फेस्ड कि रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन बहुत आराम से और बहुत प्यार से बहुत सारे लगा देती है. मुझे लगता है कई बार वो उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है.
सो इज देयर सम वे दैट बिकॉज वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द रजिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि कई बार होता है आपने मार्जिन नहीं की या ये सही नहीं है और जैसा आपको पढ़ने में परेशानी होगी, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो जजेस वकील से जज बने हैं या जो लोअर जुडिशरी से एलिवेट होकर ऊपर आए हैं वो पढ़ लेते हैं, पर तब भी रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन लगा देती है कि नहीं जैसा आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी या ये क्लियर नहीं, जबकि वो वकील की निगाह में क्लियर है वो चीज़, एंड मे बी अ लॉयर इज नॉट ट्राइंग टू यू नो गिव अ डिफिकल्ट टाइम टू द जज, तो उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? Let me tell you, as a lawyer, other than when I deliberately wanted something to remain under an objection for a particular reason, like for example, कई बार ये होता था आपके पास से client appeal के लिए loss दे पे आते हैं, फिर आपने कहा निकल जाएगी, मेरे को condemnation delay लगानी पड़ेगी, तो ये इस रफ्ते में क्या पढ़ना? एक अपील बनाओ, इसको चार डिफेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्शन है। अब आपने वो जो 10 पेज की अपील में क्या लिखा है वो तो नहीं ना किसी को, वो तो आप कभी भी चाह अपने 10 पेज चेंज कर सकते हैं, टप्पा तो पीछे लगता है, मीमो पे लगता है। फिर आपको ये करना होता था कि आपको फिर एक 10 पेज की अपील बनानी पड़ती थी। अदर देन दैट, इन माई ऑफिस देर वॉज अ चेकलिस्ट। Did I not know, अगर आप मल्टीपल रिलीफ एक एप्लीकेशन में मांगोगे तो रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन लगाएगी जी, बट टू गेट ओवर दैट ऑब्जेक्शन इट इज जस्ट लाइक दिस। जब हम कोर्ट फीस देते हैं हमको मालूम नहीं कि अगर हमने एक रिलीफ दूसरा रिलीफ तो हम लिखते हैं ना द वैल्यू ऑफ द प्लेन फॉर पर्पसेस ऑफ दिस फॉर ज्यूरिसडिक्शन इज दिस, कोर्ट फीस इज दिस, गाइस आर नॉट डूइंग इट। हम ये करते थे, एक चेकलिस्ट होती थी मार्जिन की। मार्जिन की क्या होती थी, जब हमारे टाइम पे तो टाइपराइटर से शुरू किए थे हमने, ये कंप्यूटर तो आए थे 96 में, पर जब कंप्यूटर से आए तो सेनो को बोला कि सीधा साहब अपना टॉप नीचे मार्जिन देके चलो, वो पहली प्रीसेट कर देता है उसके मार्जिन देने के बाद। देन कम्स दिस इशू ऑफ लेट अस टेक मल्टीपल प्रेयर्स, अगर आती है वो आता ना हर के लिए अगला एप्लीकेशन लगाओ तो आप उस पर लिखो कि मैंने 2 मांगे, मेरे फैक्चुअल सेम थे, पर उस पर मैंने 2.75 की नहीं 5.50 रुपए की कोर्ट फीस अफिक्स किए। सो लेट मी टेल यू, अदर देन दिस डेमोनेस्टर पार्ट ऑफ इट, आई ऑल्सो यूज टू फेस दिस प्रॉब्लम। आई यूज टू वाइल फाइलिंग एक एप्लीकेशन मूव करते थे हम कि ये डॉक्यूमेंट मैं फाइल कर रहा हूं, इसकी मैं ट्रू कॉपी इसलिए फाइल नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे को डॉक्यूमेंट जज साहब आपको इसलिए नहीं दिखाना कि मैंने रीड करना है, आई एम शोइंग दिस डॉक्यूमेंट टू यू बिकॉज देयर इज ए ओवरराइटिंग ऑन इट जी, नो हैज बिकम ऑन एंड इट हैज टोटली चेंज द मीनिंग, सो टिल आई डोंट शो दिस डॉक्यूमेंट टू यू फिजिकली। So, एक एप्लीकेशन एग्जेम्पशन की हम लगा देते थे और उसमें लिखते थे एग्जेम्पशन एप्लीकेशन में दैट सिंस द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज दिस दिस दिस। कई बार आपको एक इतना 40 पेज का एग्रीमेंट फाइल करना पड़ता है पर आपको उसमें सिर्फ 2 क्लॉज दिखानी पड़ती हैं, बट द जज सेज आई डोंट नो, आई वांट द कंप्लीट, एंड अनफॉर्चुनेटली जो आपके पास सेट है वो किसी ने फोटो कॉपी करके दिया हुआ जी, और फोटो कॉपी भी उस टाइम पे कराई गई, वो फोटो कॉपियर की इंक खराब हो रही थी तो लेटर्स में बीच बीच में उसकी इंक नहीं आनी शुरू हो गई जी। अब यहाँ आप वो 40 पेज का प्रिंटेड को अगर आप टाइप कराएंगे तो आपके 120 पेज हो जाते हैं। सो यू मूव एन एप्लीकेशन एंड इन दैट एप्लीकेशन से दैट दिस डॉक्यूमेंट आई एम ओनली गोइंग टू रिलाय क्लॉज ऑन दिस पेज एंड दिस पेज एंड नो अदर। सो व्हेन यू से कि रजिस्ट्री छोटी छोटी लगाती है, हाँ ये बात भी मैं आई एम रेडी टू take the blame somewhere on the judges also. There are some judges who are very peevish. Wo registry ke bhan mein aate hain. And let us say, sharkar har jagah hai. Not that every judge is a willing judge. Wo jo sharkar hota hai, wo yehi dhoondta rehta hai. Aur registry ko daant lagata rehta hai. To registry kehti hai, sir, main kyun aake daant hoon? So there you are right. But as I am saying, अगर आप प्रॉब्लम को 100% नहीं तो 99% तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं जी, है ना, यू कैन। एंड वो कहते हैं ना
every solution sometimes has a Mahamantra solution. And the Mahamantra solution, let me share with the bar, is application for exemption लगाइए और उसको बोले देख मैंने application लगा दी है, अब जज साहब तो तुझे डांट नहीं लगा सकते, जज साहब अगर exemption दे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो मैं फाइल कर दूंगा, कम से कम आपकी ट्रेन आगे तो स्टेशन जी जी। अब उसके बाद अब आउटर सिग्नल पे रुक गई तो वो दूसरी बात है, और वहां से भी निकल गई तो आप अपने डेस्टिनेशन में निकल जाएंगे जी। थैंक यू सो मच सर, आपने जी जी इतना इतना बढ़िया सॉल्यूशन बताया, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द बेंच। इसमें सर abundant precaution हर मैटर के साथ ना एक एग्जेम्पशन लगा दिया करो, इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा डे एग्जेम्पशन इफ इट इज दिस we'll do that sir. I've taken a lot of your time but just mere last question sir, exemption ke judge decide karega na, एब्सोल्युटली सर, वही हम लोगों को भी कहना पड़ता है। मेरे साथ दो तीन अब आखिर सवाल और, आपका काफ़ी वक्त मैंने ले लिया आज। उसमें सर ये है कि मूविंग फ्रॉम योर टेन्योर इन दिल्ली हाई कोर्ट, देन यू हेल्ड द कमांड ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एंड देन बॉम्बे हाई कोर्ट, माई फर्स्ट क्वेश्चन है सर क्या क्या फ़र्क आपने पाया तीनों हाई कोर्ट्स की फंक्शनिंग में? और एक मेरा सवाल ये भी है कि जब एक होम टर्फ होता है किसी भी वकील का और जब वो जज बनते हैं तो उनको अपने होम टर्फ की तो सारी चीज़ें पता होती हैं, बट सडनली जब चीफ बन के आपको नवाजा जाता है तो ट्रांसफर तबादले कर दिए जाते हैं, और वो हमारे देश में हर चीफ के साथ ऐसा होता है, तो क्या ये सही है सर, क्या ये होना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है, और दूसरा व्हाट आर द टाइप ऑफ चैलेंजेस दैट अ जज फेसेस व्हेन दे आर मूव्ड टू डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन? स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ आई नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम जी, बिकॉज यू एज नॉर्मली बिकम अ चीफ जस्टिस आफ्टर 11 12 13 14 इयर्स ऑफ हाई कोर्ट जजशिप. You have interacted with the government to get their budgets. You know you are grappling with what? Infrastructure of the court. तो दूसरी जगह जाओ वहां पे भी वही रोना लगा रहता है साहब, नई कोर्ट की बिल्डिंग बननी है, पुरानी बिल्डिंग डिलैपिडेट हो गई, आपको तहसील से पैसे चाहिए, रिक्रूटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. So by and large, the problem which the court face is the same. जी. It is not that कि आप राजस्थान गए तो एक नई problem आएगी. Administrative side problems are the same. Right. So on the administrative side, whether it is Bombay, whether it is Rajasthan or any other place, you face no problem. The problem you face is of a work culture. हर जगह की एक work culture थोड़ी फर्क होती है. And thoda judicial side mein you face a problem because unlike Delhi, in other states 50% of the litigation emerges from local legislation. Ab jaise main Rajasthan gaya to karta hai to agle hafte pata chala ki Jodhpur ka gaj to 2 foot ka hota hai, Jodhpuri gaj. Otherwise a yard is 3 feet. तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ जूनियर जज बैठा था उसने बताया नहीं, आई टू रिकॉल ऑल माई ऑर्डर्स बिकॉज आई एंड देन इन स्टेट देर इज द बिग प्रॉब्लम. अब जैसे अगर आप लेट अस टेक महाराष्ट्र जाए, देन आई वेंट टू औरंगाबाद फॉर माई सिटिंग, वो एरिया निजाम की टेरिटरी से वहां आया था, तो वहां की जो रेवेन्यू लॉ थी दैट वॉज मॉडल्ड ऑन the revenue law which is there in Andhra and Telangana. Right. Uske words bhi wahi the. Ji. When I did my sitting in Nagpur, that was central provinces and where are. Unke land revenue. And don't forget, land matters are huge in numbers. Absolutely, sir. Unka quarter hi alag hota tha. You go to Goa, they had inherited the Portuguese system. So in fact, judicial side you face more of a problem than on the... So even if you are a revenue expert, say in Rajasthan, Maharashtra, you would be a revenue expert of a particular area. Unlike in Delhi, you are a revenue expert of other things. So those kinds of problems you face, but administrative side, pe koi problem.
ना जी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स. इनफैक्ट माय पेनल्टीमेट क्वेश्चन इज बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, पर जो रिटायरिंग एज है यहाँ पे जजेस की डिफर हो जाती है. आई थिंक फॉर हाई कोर्ट जज जज हैज़ टू रिटायर 62, सुप्रीम कोर्ट 65 है रिटायरमेंट एज. इस पे सर मैं आपका थोड़ा सा ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि शुड दे नॉट बी सेम, क्योंकि अगर हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं और कहते हैं कि भाई पावर ऑलमोस्ट बराबर हैं और मैटर सुने जाते हैं, तो रिटायरमेंट एज क्यों फ़र्क हो? और दूसरा इज टू माई माइंड से मुझे लगता है कि 65 ऑल्सो इज एन अर्ली एज फॉर जस्ट टू रिटायर, बिकॉज बाय दैट टाइम सो मच ऑफ एक्सपीरियंस हैज गॉन इन टू द प्रोफेशन. और जब आप अपने पीक पे, एक तरीके से हम लोग के तो प्रोफेशन में पीक ही 50 के बाद शुरू होती है, तब आप किसी इंसान को कह रहे हैं 60 पे आके कि आप रिटायर हो जाइए. तो इस पे शुड बी अडॉप्ट अ मॉडल लाइक अमेरिकन मॉडल जहाँ पे यू नो यू आर अ जज टिल द टाइम यू डाई. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? विद लॉन्गेविटी कमिंग एवरीवेयर, व्हाई शुड अ ब्यूरोक्रेट रिटायर एट द एज ऑफ 62? व्हाई शुड अ प्रोफेसर रिटायर एट द एज ऑफ 62? Why should a government doctor retire at the age of 62? So let us understand, there are certain things is a matter of a policy. So when you say ki aapki maturity aur aapki growth 50 se shuru hoti hai, to kya wo to teacher line mein professor hai kya? Wo bhi to usi stage pe mature karna shuru karta hai. Ji. Doctor bhi usi stage pe mature karna shuru karta hai. So this is a matter of policy. You can't say ki for judges we will make it the American model and West. Now, do you know that when you go abroad, they don't have this kind of an encoded service? I find it very strange. Aap All India Institute mein head of the department hai, bole ab aap 62 ke ho gaye, aap retire ho gaye, aur kal ko aap HOD of Medanta hai. I find it very strange, very, very strange. Yes, it is desirable, but then it's a matter of policy. It has to be done across the spectrum. It cannot be judge-centric. You know, the same thing will apply across the board to teaching lines, doctors, engineers, technocrats, bureaucrats. In what manner would you say ki IAS officer jo level of cabinet secretary hai wo 62 pe ghar chala jaye? Why? I think not 62. I think they retired at 60. 60. If I'm not mistaken. 60. Why should he? Is he not at the peak of his experience? He surely is. And after retirement, they go and join at top levels in public sector boards or private sector boards, and they contribute. Now let us give an example of the legendary Mr. Sridharan. For how long he was able to. But technically, he was made to retire on attaining the age of 60 years. Then you re-employ, karo, extension, do, ye do, dusri baat hai. Now comes Supreme Court, High Court. If you pick up your ranks, even in the army, you go, your age of retirement keeps on going up. So it is not unique to the judiciary in India. But yes, I will tell you it would be needed because this, which everyone says, that this clamor for going up to the Supreme Court has admittedly taken away the independence of the High Court judges. I felt very, very sorry as a Chief Justice, even as a judge, when the High Court judges would be chasing a Supreme Court judge at a dinner, ki sahab main ek chapati laake de dun, chamach gir gaya to utha ke chamach pakda dun, and would call him my lord. In fact, when I was the Chief Justice, I would always maintain that in as a Chief Justice in your state, in protocol, you come above a Supreme Court judge. Jee. That's the order of precedence. Are you ready to stand by it? To that extent, I think, given the trait of India that many cannot stand for the prestige of their office because they feel that going up that for 3 years is there, and which is having a negative effect on the independence of Vukatana, that freedom which a high court judge should have vis-a-vis his superior. Yeah. Keeping that in view, yes,
But then there will be one problem. Let us put it like this. Then the fertile ground for tribunals. If you increase that to, say, 65, then don't forget that there are large number of tribunals where the tenure is fixed on an age. Ji. There you will have a problem. But having said that, according to me, whether you are a high court judge or a Supreme Court judge or a session judge, a judge is a judge. And let me tell you one thing. Jo taluka ka jo judge hota hai, he gets more prestige because he is the boss of that area. And jaise aap jo criminal lawyer wo janta hai ki agar kisi agar CJI saab ko bhi kahin cinema ki ticket chahiye to wo apne PPS saab ko bolenge to PPS saab इलाका मैजिस्ट्रेट को बोलता है कि जैसा के लिए वो अल्टीमेटली इवन इफ द कमिश्नर पुलिस हैज टू गेट समथिंग डन ही हैज टू टेल हिज एसएचओ ऑफ द एरिया बिकॉज द एसएचओ इज द बॉस एब्सोल्युटली सो एज यू गो अप यू आर टफ यू लूज योर टफ इट डजंट मैटर एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी योर prestige and honor comes how well people remember you when you are ceased to be the holder of the office which you had. Yeah, jab tak office hai, to office ki, they are respecting your office, so are they respecting you? Ji. So I would close it at by answering that it would be desirable seeing the mess which it has created. It would be desirable. Ji. Mr. That's a wonderful response. In fact, now that we come to a close of this session, I thank you very much. Was sparing you valuable time and darshakon ko bata dun ki in fact sir was suffering from COVID and then after recovering he has taken his valuable time for our channel and for this wonderful episode and it has stretched for more than 1 hour koshish hamari rehti hai sir isko 60 minute mein wind up kar dein lekin kai bar aisa hota hai ki interesting sessions hamare thode se lambe chal jate hain before I conclude jaate jaate hamesha hamare mehmano se ek se hamari appeal rehti hai ki sir please apne closing comments de hamare young darshakon ke liye and when I say young I don't mean people who are young by age I will also mean people who are young at heart and young in mind Since we are talking to, by and large, I presume people who are with a legal background or an interest in that, my message is only twofold. Number one, which is a universal message, be committed to your cause and not your ambition. Message number one. And message number two is for the lawyer friends, be clear. Bring clarity in what you are saying and doing. It is better to be clearly wrong than to be dubiously right. Since we are short of time, other than this message, no other message. And as an elder, I wish each one of those who would view this happiness and success. And my blessings to all. God bless everybody. Thank you so much, sir, for sparing valuable time. And towards the end, I always extend a small appeal to our viewers. कि जो हम ये मुहिम लाए हैं और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम सबको तो आप प्लीज़ हम इस बातों को जो हम सकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में और कानून की जगत की दुनिया के थ्रू तो सबसे आसान तरीका हमारे चैनल को आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और उस तक भी ये बात पहुंचे सकारात्मकता फैले लोगों को कानूनी जो उनके हक हैं उनकी जानकारियाँ हैं उनके जो नफासतें हैं उनके बारे में पता चले एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू वेरी सून थैंक यू